नाइफेफू एन एंड ये किसका एग्जांपल है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, तो एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर, ठीक है, इससे एक एक्सलेंट एग्जांपल है। और टाइम पीरियड की जैसे हम बात करते हैं तो 1977 की राइटिंग है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं ये एक और एग्जांपल है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का। तो जो भी क्वेश्चंस आने वाले आपके पास वो एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर, एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न पे आ सकते हैं। तो फेफू एंड हर फ्रेंड्स, ठीक है, जो वर्क जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उस वर्क का नाम है फेफू एंड हर फ्रेंड्स, एक US की फेमस राइटर डेमेरियना एरीन फोंस, तो ये इनकी राइटिंग है, बहुत ही डिटेल हम इसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके डाउट है इसके रिगार्डिंग और जो इसके डीप एनालिसिस और एनाटॉमी है वो मैंने इसमें कर रखा है, जैसे कि वैसे चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा तो आपको पता है इसमें बहुत ही डिटेल में मैंने इसे पढ़ा रखा है। तो फेफू एंड हर फ्रेंड्स सब शुरू करते हैं, ठीक है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर और एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न कैसे और किस तरह से ये जो जो हमारे पास फीमेल राइटर है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गॉडोट का, ठीक है। तो ये सारा कुछ समझना है हमें इसमें। बायोग्राफी वो है हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था इससे पहले में कि ये हमारे पास जो फाइनल सिलेबस में है वो US राइटर है और जो इन्होंने इनके जो बेसिक और स्टार्टिंग इनिशियल स्टडी जो थी वो इनके अंडर हुई थी हैंस हॉफमैन के अंडर, जो कि उस समय के बहुत फेमस एक पेंटर और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इनकी परफेक्ट थी, तो उसके अंदर इन्होंने एजुकेशन को कम्प्लीट किया। और विजुअल आर्टिस्ट और विजुअल और जब ये विजुअल आर्टिस्ट की उसमें काम कर रही थी, इसी के साथ साथ इन्होंने उस समय मॉडल और राइटर यानी उनसे मिली ये जो कि उस समय की फेमस मॉडल और राइटर शॉमर्स थी, तो हैरियट शॉमर के साथ मिली और उनके साथ भी बहुत कुछ इन्होंने सीखा, पर उनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ट हो गया था। तो यानी द फीमेल और द फीमेल यानी लेस्बियन टाइप, और ये आपको इनकी राइटिंग में भी देखने को मिलेगा क्योंकि देखना उसमें एक कोर रिफ्लेक्शन है जो राइटिंग हम पढ़ेंगे उसमें, ये कहते हैं ना कि हमेशा बैकग्राउंड का एक रिफ्लेक्शन आता है हर राइटर का, तो वो उसमें देखने को बिल्कुल सही मिलेगा आपको। इसके बाद फॉन्ट्स जो है वो पेरिस मूव कर गई थी और उसके बाद वो इम्प्रेस हुई किनसे, सैमुअल बेकेट के वेडिंग फॉर गॉडोट से, ठीक है। इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा इतना इम्पैक्ट आया। 1960s की राइटिंग है सैमुअल बेकेट की वेडिंग फॉर गॉडोट, वो बहुत ही फेमस राइटिंग है, इसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो भी क्या बनेंगे राइटर। और शी वॉज स्पेशली इंस्पायर्ड बाई स्टार्ट राइटिंग एंड शी मेट विद द ऑथर, एक और ऑथर से मिली वो सुसैन सोंटैग, 1959 अमेरिका के उस समय की बहुत फेमस राइटर थी। और यहाँ पे भी फिर दोबारा से हमें रोमांटिक रिलेशन देखने को मिलता है फीमेल टू फीमेल, ठीक है। इनके जो कुछ फेमस जैसे कि फर्स्ट प्ले जो उन्होंने लिखा था देयर यू डाइड, अगर याद रहता है तो सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनका जो काफ़ी नाम और जो रेपुटेशन इन्होंने गेन करा वो था द फेफू एंड हर फ्रेंड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल राइटिंग और एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और इसमें इन्होंने दिखाया कि किस तरह से फेमिनिज्म ट्रेंड को फॉलो किया गया है, उसके बाद जेंडर लिक्विडिटी जैसे कंसेप्ट को और जेंडर डायनेमिक्स जैसे कंसेप्ट को भी एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो वैसे 40 प्लेस लिखे हैं पर सबसे ज़्यादा फेमस जो प्ले है वो फेफू एंड हर फ्रेंड है और यही हमारे सिलेबस में, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। यहाँ पे की फैक्ट्स में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे फेफू एंड फ्रेंड फुल टाइटल ये सेम 1977 में ये जो राइटिंग है वो लिखी गई थी, यानी हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी की 20th सेंचुरी के एंड में। और क्योंकि हमें पता है कि 1900 जो है 45 के बाद आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया राइटिंग में, और इस तरह की पोस्ट मॉडर्न राइटिंग ने काफ़ी और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग, ठीक है, इस तरह की राइटिंग ने काफ़ी जो है पैर पसार लिए थे अपने, काफ़ी इनकी अलग अलग राइटिंग और इस तरह के ट्रेंड देखने को मिला हमें, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है ये आपको बिल्कुल एंड में मैं पूरे इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। पोस्ट मॉडर्न राइटिंग है ये एब्स्ट्रैक्ट थिएटर है, ये भी मैंने आगे कम्प्लीट कर रखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद जो सीन सेटअप है वो 1930 में, क्लाइमेक्स अगर हम देखते हैं तो एंड में जूलिया और फेफू आपको बिल्कुल एंड में समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ बस यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है 1977, ठीक है, दिस ईयर इज़ अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि 1960s में और 1950s में और 1940s इस तरह इनके हर जो डेकेड है उसकी अपनी एक अलग ही खासियत थी। और अमेरिकन राइटिंग अगेन थी कॉन्टेंट बेस्ड राइटिंग थी,
वो जैसे अगर हम देखते हैं कि द एज ऑफ एलिनेशन 1960s और 70s, द एज ऑफ एलिनेशन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हिप्पी कल्चर ने भी अपने वो रख दिए थे कि हिप्पी कल्चर, उस तरह की राइटिंग भी आने लगी थी। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना, सिंपल हमें इस राइटिंग को समझना है, तो इसी राइटिंग के थ्रू हम जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे देखो जो राइटिंग है इसमें भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हम जब स्टोरी में मूव करेंगे, तो जब स्टोरी में मूव करेंगे तो वहाँ पे जो हमें एक एजुकेशनल अलायंस देखने को मिलेगा, ठीक है, एक एजुकेशनल अलायंस देखने को मिलेगा जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगेन हिस्ट्री से कोट किया गया एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है और उसी से इसको अगेन फ्रेम किया गया इस पूरी कहानी में। जैसे कि हम देखते हैं फेफू एंड हर फ्रेंड्स, इसी को पढ़ेंगे जब हम, मैं समरी करवाऊंगा तो उसमें देखना। एक कैरेक्टर है एमा जो कि फेफू की फ्रेंड होती है, वो इस कहानी में एमा, तो जो एमा है वो एक पैसेज को पढ़ती है किसमें से, एक जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, एजुकेशनल ड्रामेटिक्स बाय एमा शेरिडन फ्राई, ठीक है। तो एमा शेरिडन फ्राई कौन है, एक एक्टर और एडुकेटर, ठीक है। ये दिखा रखा है किसमें, यानी कहानी में, इस कहानी में ये दिखा रखा है कि जो एमा शेरिडन फ्राई है वो एक एक्टर होती है और एक फेमस एडुकेटर होती है। तो उसने एक बुक लिखी होती है एजुकेशन ड्रामेटिक, ठीक है, और उसी में से एक पैसेज को एमा जो है वो उसमें से एक पैसेज को सिंपल रिसाइट करती है, यानी पढ़ रही होती है उसे। वो तो द प्रोग्राम शी हेल्प डेवलप वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एजुकेशनल अलायंस। एजुकेशन अलायंस के प्रोग्राम से इसे लिया गया है। वो सर्व द ग्रोइंग इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ द लोअर स्टेट, यानी इसमें देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, कि नॉर्मल सी बात है कि हिस्ट्री में, रियल हिस्ट्री में अगेन, ठीक है, ये सच में हिस्ट्री में एक एलिस मेनी हर्ट, ठीक है, जो कि अमेरिका में थी, अमेरिका में ये जो है एलिस मेनी हर्ट, इसने एक प्रोग्राम को रन किया था जिसमें इसका काम था कि जो थिएटर का नॉलेज है, जो थिएटर की जो नॉलेज है उसको डिसएडवांटेज जो यंग पीपल है उन तक पहुंचाना। तो उसके लिए उसने एक अलायंस फॉर्म किया था, एजुकेशनल अलायंस, ठीक है, एक एजुकेशनल अलायंस फॉर्म किया था किसने, एलिस मिनी हर्ट्स ने, ताकि डिसएडवांटेज जो यंग पीपल है उनको थिएटर की नॉलेज दी जा सके। इसी तरह से कहानी में जब हम मूव करते हैं तो जो फेफू है, फिक्शनल कैरेक्टर अगेन फेफू, और जो फेफू की जो फ्रेंड है एमा, एमा जो है वहाँ पे इस तरह का रोल प्ले कर रही है जैसे कि एलिस मिनी हर्ट, ठीक है, वो उसकी तरह ही, कि ये भी क्या कर रही है, जो एलिस मिनी हर्ट जो है जिसने कि एक पूरा एक प्रोग्राम को, एक एजुकेशन अलायंस को फॉर्म किया था ताकि डिसएडवांटेज लोगों को थिएटर की नॉलेज दी जा सके, इसी तरीके से इसमें जो है एमा जब कहानी में आप मूव करोगे तो वो भी एक पैराग्राफ को एक पढ़ रही होगी, ठीक है, और वो जो पैराग्राफ है वो किससे पढ़ रही होगी, एक फेमस एमा शेरिडन फ्राई नाम के, इसमें दिखा रखी है एक फेमस जो एक्टर और एडुकेटर है उसके, उससे एक रिसाइट करेगी, उसे बता रही होगी, ये तो एक पैराग्राफ उठा के पढ़ रही होती है। यानी मिल कहने का मतलब है फेफू और उसके सारे जो फ्रेंड है, जैसे कहा ओपनिंग होती है इस पूरी कहानी की, तो उसमें स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि फेफू और उसके जो सारी फ्रेंड है वो एक तरह का एजुकेशन अलायंस के लिए फंड रेजिंग का काम करते हैं। फंड रेजिंग का मतलब सिंपल क्या होता है, यानी पैसे को इकट्ठा करते हैं ताकि वो एजुकेशनल सपोर्ट दे सके। पर कहानी में ये मेंशन नहीं है कि वो एजुकेशनल सपोर्ट किस चीज़ को देना है। अगर हम उसे हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास जो सामने आती है वो एलिस मेनी हर्ट्स है, ठीक है। जिस तरह से एलिस मेनी हर्ट ने एक सोशल वर्क किया था जिसमें कि जो डिसएडवांटेज पीपल है उनको एम्पावर करने के लिए एक थिएटर और एक थिएटर के जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसी तरीके का इसमें जो है हम कनेक्ट करके मीनिंग को ड्राइव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी कहानी में जो फंड रेजिंग का काम किया जा रहा है वो ठीक उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे कि एलिस मिनी हर्ट्स ने किया था, ठीक है। तो दोनों का सिंपल कनेक्शन है, जब कहानी में आएगा तो आप समझ जाओगे। वहाँ पे फंड रेजिंग का काम किया जा रहा है इसलिए ताकि एक तरह का ग्रुप फॉर्म हो जाए और उस ग्रुप के जो जो फंड इकट्ठा होगा उससे ये भी डिसएडवांटेज जो यंग पीपल है उन तक ये पहुँचाएंगे ताकि उनको भी पता चले कि पावर और क्या होती है इस तरह की, किस तरह की पावर, यानी फाइनली जो एंटरटेनमेंट थिएटर इन सब की अलग से एक वैल्यू होती है और इसकी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्री तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वाले बासी का समरी को बहुत डिटेल में इसमें जाना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है तो एक्सपेरिमेंटल राइटिंग में क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है, और सबसे मेन बात है 1970s की राइटिंग है, तो 70s की राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको।
इसीलिए एक्सपेरिमेंटल राइटिंग, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग और जो पोस्ट मॉडर्न एसेंस है इसमें, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे जो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट है वो भी इसके अंदर कनेक्ट करना होगा आपको, जब हम बाद में करेंगे, जैसे कि थिएटर, थिएटर का किस तरह से इसमें कंसेप्ट दिखाया गया, उसके बाद डेडाइज्म, ठीक है, डेडाइस्टिक मूवमेंट कैसे, और सरिलिज्म, ठीक है, सरिलिज्म हो गया, डेडाइज्म हो गया, उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से इससे कनेक्ट करके तभी समझ आएगा कि इस राइटिंग, वैसे कहानी पढ़ोगे तो आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल फ्रेम में ये राइटिंग, ठीक है, और सरियल वे से और कनेक्ट हो जाएगा डेडाइज्म से भी और क्यूबिज्म से भी, ठीक है, 1930s, 1940s, 1950s, एलिनेशन, ये सारे कंसेप्ट जो हैं इस अकेली राइटिंग के अंदर सब कुछ देखने को मिल जाता है, इसीलिए इस राइटिंग ने इरेन फोन्स को इतना फेमस बना दिया। ये तो कहानी पे काफ़ी ही ज़्यादा वो ध्यान से समझना है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने कई बार ही बोला एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है इसीलिए काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर को बिल्कुल ही अलग अलग करेंगे और स्ट्रीमलाइन करेंगे पूरी कहानी को। सबसे पहले हमारे पास एक तरफ क्या है, फेफू, ठीक है, इस तरफ देखो ये फेफू येरी, तो ये फीमेल है, अगेन ये ध्यान रखना, ठीक है, तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट की मैं बात करूँ तो यही प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन जो सेंट्रल हीरो का काम है वो इसी का, ये फेफू का, यानी जैसे हमारी ये जो प्ले है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ अगेन द प्ले, ये प्ले है, ठीक है, नॉवल नहीं है ये, ना ड्रामा है, दिस इज़ प्ले, ठीक है, प्ले अगेन जो स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके, जिसपे थिएटर सेंस हो, ठीक है, दियो एक्स मशीन है, इस तरह के कंसेप्ट जो देखने को मिलते हैं वो सारा प्ले है हमारे पास, ठीक है। तो इस कहानी में होता क्या है, फाइनली जो फेफू है वो अपने घर पे एक पार्टी देती है और उस पार्टी में वो अपने 7 फ्रेंड्स को इनवाइट करती है, ठीक है, तो 7 फ्रेंड्स को इनवाइट करती है, तो 7 फ्रेंड प्लस 1 यानी फेफू, यानी टोटल कितने, 8, तो 8, और ये पूरा एक सिंगल डे पे है, ठीक है, जैसे कि पूरी जो पूरा जो प्ले है हमारे पास वो एक सिंगल डे पे है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ का है ना मिसेस डेलोवे, आपने पढ़ा होगा, वो भी एक सिंगल डे का है, इसी तरह से ये है। तो इसमें हमारे पास देखो द कोर्स ऑफ ए सिंगल डे 1930s, और 1930s का टाइम दिखा रखा है, उस पर इस पूरे सीन को सेट किया गया है। तो फेफू उसमें एक वेल्दी वुमेन है, ठीक है, विद ए नाइस होम दिखा रखा है, और 7 फ्रेंड को वो जो इन्वाइट करती है, और वो इन्विटेशन का इनका मेन एम क्या है अगर हम बात करेंगे तो वही, यानी फ़ंड रेजिंग का काम, यानी हर किसी को हेल्प करनी होती है ताकि वो एक फ़ंड रेज कर सके और जिस फंड रेज से वो एजुकेशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है। इसे पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था कि एक एजुकेशनल सपोर्ट किस वे से देना है और ये कनेक्ट किस तरह से है, ठीक है, वैसे प्ले में नहीं बता रखा कि किस तरह का सपोर्ट है, पर हाँ फिर भी अगर हम हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि किस तरह का है, यानी जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं और जिन लोगों को थिएटर की नॉलेज नहीं है, जिन जवानों को उन तक थिएटर की नॉलेज को पहुंचाना, तो फंड रेजिंग के लिए वो 7 और 1 प्लस 1 यानी 8, 8 के 8 जो है वो उस दिन पार्टी में सब 8 के 8 जो है 8 फीमेल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उस दिन जो है फाइनली फेफू बुलाती है अपने 7 फ्रेंड्स को, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर उसके बाद जैसे पार्ट नंबर 1 जैसे ही आता है हमारे पास, क्योंकि थिएटर है, जब थिएटर पे दिखाएंगे तो स्टेज पे पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 3 कैरेक्टर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टेज पे। फर्स्ट थिंग इज़ द फेफू, ठीक है, फेफू, और सेकंड क्या होगी सिंडी, और जो थर्ड है वो हमारे पास है क्रिस्टीना, ठीक है, तो हमारे पास फेफू, सिंडी और क्रिस्टीना, ठीक है, इन तीनों के नाम को एक बार या एक काम करो आप इसके साथ साथ है ना एक जगह उस पर बना लो, जैसे कि एक तरह से फ्लो चार्ट वे में, ताकि समझ आ सके, एक तरफ फेफू और एक तरफ हमारे पास सिंडी और क्रिस्टीना, तो फर्स्ट टाइम स्टेज पे एफ और 2 C, ठीक है, इस तरह से याद रख लो, फेफू और सेकंड सिंडी और फिर कौन सी क्रिस्टीना। वेट फॉर एवरीवन एल्स टू अराइव, ये वेट कर रहे होते कि बाकी जो है वो भी आ सके, यानी 3 तो यहाँ पे है, बाकी 5 का वेट कर रहे होते कि वो भी कब पहुँचेंगे, ठीक है। इतने में फेफू टेल्स हर फ्रेंड अबाउट द रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, अब यहाँ पे जो भी हमारे पास जो थिएटर में स्पेक्टेटर है उनको पता चलता है कि फेफू के हस्बैंड के बारे में, तो फेफू अपने हस्बैंड के बारे में बताते हैं, उस हस्बैंड का नाम क्या है, फिलिप, ठीक है, दैट शी थिंक्स दैट मैरिड हर सिंपली टू हैव अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ, सिंपल सी बात है, वो सबको बताती है कि उसके हस्बैंड ने जो है उससे शादी इसलिए करी ताकि वो उसे ये एहसास करवा सके कि किस नफरत के लायक जो होती है वुमेन होती है, यानी वुमेन हमेशा एक नफरत के लायक होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ जो है उसका जो हस्बैंड फिलिप बोलता था उसे। तो जब ये फेफू अपने सभी जितने भी फ्रेंड्स होती है वहाँ सबको बताती है कि किस तरह से उसका जो हस्बैंड है वो यही कहता है कि वुमेन जो है
वो हमेशा नफरत के लिए ही बनी हुई है। तो क्रिस्टीना जो होती है, हु हैज़ नेवर एक्चुअली, वो जो कभी फेफो से मिली नहीं थी, ठीक है, बस हाँ कि जैसे कि उसकी फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड है, तो ये भी फ्रेंड है, तो पूरे एक फ्रेंड सर्कल बन गया, पर वो वैसे फेस टू फेस कभी फेफो से नहीं मिली। वो शॉक्ड हो जाती है स्टेटमेंट से कि इसने इस तरह के लड़के से कैसे शादी कर ली, बट फेफू के ऊपर कोई इसका असर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फेफू को हमेशा ऐसे आइडियाज़ पसंद थे जो कि एक रिवोल्टिंग आइडियाज़ हो, यानी जिसमें पंगे लिए जा सके, इस तरह के आइडियाज़ उसको काफ़ी पसंद आते थे, इसीलिए उसके लिए उसका जो हस्बैंड था वो अप टू मार्क था। उसके बाद वन फेफू यूज सीज द फिलिप, जैसे ही फेफू इतने सीन में सभी ऑडियंस जो देख रहे होते हैं स्टेज को, जैसे ही फेफू देखती है कि उसके हस्बैंड जो आ रहा है, वो फाइनली एक गन जो है गन से उसके ऊपर शूट कर देती है, ठीक है। और ये सीन देख के जो सिंडी और क्रिस्टीना, क्योंकि ये दो अभी कैरेक्टर स्टेज पे हैं, तो सिंडी और जो क्रिस्टीना है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्योंकि फिलिप एकदम से नीचे गिर जाता है, बट द फेफू एश्योर्स देम दैट दे डोंट नीड टू वरी। बट फेफू उसे क्या कहती है, अरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कि हम ऐसे ही खेलते हैं, वो सिंपल कहती है कि एक तरह का ये गेम है जिसको कि हम रोज़ खेलते हैं, जिसमें कि सिंपल ये होता है कि मुझे अपने हस्बैंड को शूट करना होता है एक नकली बुलेट से और वो हमें ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। फिर वन ए वेदर ही वॉक्स दी हाउट देन शूट सिम विद अ ब्लैंक, और वो ब्लैंक होती है वो गन, बस शूट करना होता है। यहीं से लग रहा होगा दिस इज अगेन एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर, तो यहाँ से देख के लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट किया गया लिटरेचर के साथ, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और डाडाइस्टिक और सरियलिस्टिक आइडियाज़ भी और एक क्यूबिस्ट वे भी देखने को मिलता है, वो एंड में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद वेन एवर, वो ये सिंपल सी बात है, ऐसी गेट्स अप एंड द कंटिन्यू अक्रॉस द यार्ड द फेफू सेज दैट फिलिप हैज थ्रेटन्ड टू लोड द गन। तो कई बार ये सिंपल ये भी बात है कि फिलिप कई बार फेफू को कहता है कि एक मैं किसी दिन इसके अंदर रियल जो है वो बुलेट डाल दूंगा, तो पर फेफू को लगता है कि फिर फेफू उस पर बिलीव नहीं करती है कि ऐसे ही बोल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद उसकी सारी जो उसकी दो फ्रेंड होती है उस समय पे, यानी क्रिस्टीना और सिंडी, क्योंकि वो ये स्टेज पे वो कंफ्यूज होती है कि पता नहीं किस तरह का रिलेशन और ये क्या है, पर फेफू उसे बताती है कि द टू थिंग्स दैट शी माइट एंड अप, के अगर सच में किसी दिन अगर उसमें रियल गन होगा तो इससे क्या पता उसका जो हस्बैंड है वो मर जाएगा, पर अगर वो नहीं खेलेगी ये गेम तो वैसे भी वो एक दिन जो है उसके अंदर से ऐसी जो अंदर से ऐसी कुछ बात आएगी निकल के, या फिर अंदर से उतावलापन ऐसा आएगा कि वो सच में से शूट कर देगी। इसीलिए आने वाले खतरे को बचाने के लिए और अपने गुस्से को जो शांत करने के लिए वो इस तरह के गेम को खेलते हैं, ताकि उसका गुस्सा गुस्सा भी शांत हो जाए और साथ के साथ बात भी बन जाए। पर फिलिप हमेशा कहता है कि कई बार मजाक में कह देता है वैसे कि एक बार असली का गन इसके अंदर लोड कर दो, पर फेफू इस चीज़ को मानती नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, गुस्से को शांत करने की वजह मेरी यही है कि मैं इस तरह से ही नकली उससे शूट करती रहूँगी और इस तरह से मैं कभी उस तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी कि रियल गन को लोड करके उसको शूट करूँ। तो जो है वो फाइनली ऑडियंस को देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास वो दंडी जूलिया। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर आती है वो जूलिया आती है, ठीक है। ये भी एक सेकेंड हाफ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि फेफू एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है, और ये जो कैरेक्टर वो कम्प्लीशन जोन पे नहीं जाता विदाउट जूलिया, ठीक है। तो जूलिया ही कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स सीन को मीट करवाएगी इस पूरे कहानी में। तो अब हम पहले तीन कैरेक्टर्स जो स्टेज पे आ रखे थे, अब फोर्थ जूलिया, ठीक है। तो वो रिसेंटली सफर्ड ए टेरिबल एक्सीडेंट, ये दिखाया जाता है ऑडियंस को कि ठीक है जूलिया के साथ एक एक्सीडेंट हो रखा है, इसीलिए वो व्हील चेयर पे है। अब वो कौन सा एक्सीडेंट है वो पता चल जाएगा बाकी कैरेक्टर की बातों से, ठीक है। एज फेफू शोज हर टू हर रूम, अब फेफू उसे दिखाती है कि अपना रूम दिखाती है उसे, एंड द सिंडी टेल्स क्रिस्टीना। अब सिंडी और क्रिस्टीना, क्योंकि पहले है ही ये का मैंने दिखा दी कि स्टेज पे पहले थे कि फेफू सिंडी क्रिस्टीना, अब कौन आ गई है जूलिया। तो सिंडी जो है वो क्रिस्टीना को बोलती है कि मुझे पता है इसके साथ क्या हुआ था जूलिया के साथ। तो क्रिस्टीना उससे पूछती है क्या हुआ था बताओ, तो सिंस दैट शी वॉज देयर विटनेस टू इट। जूलिया एंड सिंडी सिंपल बता रही है वो कि एक बार की बात है कि जूलिया और सिंडी, यानी मैं जो है सिंडी बता रही है जूलिया को कि मैं जूलिया के साथ गई थी और एक मैन के साथ और गए थे जो कि हंटिंग हंटिंग के लिए गए थे हमें, यानी मैन सिंडी और जूलिया ये तीनों हंटिंग के लिए गए थे। तो वो जो मैन है उसने एक सिंपल हिरन को देखा, उसके बाद उसने उसे शूट कर दिया, और जैसे ही वो हिरन गिरा उसी का एक
पैनिक अटैक कह सकते हैं कि एक पैनिक अटैक जो है वो आ गया किसके ऊपर, जूलिया के ऊपर, यानी जूलिया को अंदर से एक पैनिक अटैक सा आया और उसके बाद वो भी सेम वैसे ही करने लगी जिस तरह से जो है वो डियर कर रहा था, यानी वो जिस तरह से वो हिरन कर रहा था उस तरह से ये करना इसने भी करना शुरू कर दिया। तो जूलिया सेम टू सफर अलॉन्ग साइड इवन इट कन्वल्सिंग कन्वल्सिंग सिंपल कन्वल्सिंग कन्वल्सिंग आपको कई जगह मिलेगा। कन्वल्सिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, दौरे पड़ना, ठीक है। तो वैसे ही दौरे पड़ने शुरू हो गए उससे, जैसे सिंडी थॉट दैट दी हंटर हैड सम आउट, सिंडी को ऐसा लगा कि कहीं हंटर ने डियर की जगह कहीं जूलिया को तो नहीं मार दिया, पर देखा बाद में कि नहीं, उसने तो डियर को ही मारा है। पर जिस तरह से वो डियर गिरा आगे की तरफ, इसी तरह से जूलिया भी गिर गई, उसी की तरह कर रही थी। जूलिया फोरहेड वॉज ब्लीडिंग, सर पे से खून निकलने लग गया उसके, और उसके बाद उसका जो सर है वो बहुत एक पीछे की तरफ और गिर गई वो, और उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए। और उसी तरीके से उसने रेप करना शुरू कर दिया, चिंगाड़ना शुरू कर दिया और नॉनसेंस की तरह करना शुरू कर दिया जिस तरह की वो डियर कर रहा था। और इसी इन चोट की वजह से जो है स्पाइनल कोड पे और स्पाइनल नर्व पे उसकी चोट आ गया, जिस वजह से जो है वो अभी व्हील चेयर पे है, ठीक है। तो व्हील चेयर वाला जो है ये क्लियर हो गया। और जूलिया क्यों व्हील चेयर पे, ये हमें पता चल गया किसके, सिंडी और क्रिस्टीना की बातों से, ठीक है। सिंडी फिर कहती है कि जूलिया स्टिल, अभी भी जूलिया जो है वो बीच बीच में ब्लैंक आउट हो जाती है, यानी बिल्कुल से गायब हो जाती है वो। गायब होने का सेंस सिंपल मतलब ये है कि आंखें बंद हो जाती है, बेहोश हो जाती है कई बार, क्योंकि अभी भी उसके जो है कुछ चोट लग रखी है कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। और इसे और कई बार वो किसी स्पेस को देख के खो जाती है, फिर बाद में होश में आती है बहुत, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, मेडिकल टर्म है, यानी पेटिटमल सीजर, ठीक है। ये वही बीमारी होती है जिन एक तरह का जब इंसान जो है बीच में ब्लैंक आउट हो जाता है, फेड हो जाता है, या किसी चीज़ को देख के वो खो जाता है, फिर उससे वापस आना कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाएगा उसके बाद, पर बीच में एकदम से क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक आउट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है एमा वन ऑफ द सिंडी, अब एक और कैरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस होता है, यानी एमा। तो यानी पहले हमारे पास कौन थी, यानी सिंपल जो फेफू, फेफू के बाद सिंडी, सिंडी के बाद क्रिस्टीना, क्रिस्टीना के बाद जूलिया, जूलिया के बाद अब आगे एमा। इस एमा के बारे में मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था कि जो एमा एक तरह के वो रिसाइट करेगी उस फेमस बुक से, ठीक है, जो बुक मैंने बताई थी आपको, उस बुक से वो एक एक पैराग्राफ रिसाइट करती है जो कि फंड रेजिंग के लिए की जाती है। तो उसी तरह के उस कैरेक्टर को, वैसे हिस्टोरिकल एक रियल कैरेक्टर है, उसको यहाँ पे उतारा गया, यानी एमा को दिखाया गया वन ऑफ द सिंडी एंड द क्रिस्टीना कैरिस्मेटिक एंड थिएट्रिकल फ्रेंड। ये सबसे हटके और पढ़ी लिखी सबसे एडवांस फ्रेंड थी इसकी जो आती है। और उसके बाद सब जो है वो जूलिया के हेलुसिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसको हेलुसिनेट भी होता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी खो जाती है। इतने में एमा आती है बीच में और इस टॉपिक को वहीं पे एंड करती है। और सीयू जो है वो भी आ जाती है इंटू द रूम अलॉन्ग विद द पोला, और सीयू और पोला और आ गए, वो कॉम्प्लीमेंट्स दी फेफू, और सब फेफू को बधाई देते हैं कि उसने इस तरह की एक फ्लॉसी क्रिट रखा है। देखो फ्लॉसी क्रिट का मतलब क्या, फ्लॉसी मीन्स अगेन यहाँ पे यूज़ किया गया फॉर द फेमिनिज्म और द फेमिनिस्ट, यानी फीमेल आ रखी हैं सारी। और क्रिटिसिज्म का मतलब एक तरह से वो तर्कवाद करेंगे, बात करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर और देखें क्या सही है क्या नहीं, यानी फेमिनिस्ट ग्राउंड पे रखा जाएगा उन सबको, यानी फीमेल के साइड ली जाएगी। और द स्पीच दैट शी रिसेंटली गेव सम हाउवेयर, क्योंकि अभी वो आपस में कभी मिलके कभी बात ही नहीं कर रहे थे सब फीमेल आपस में एक तरह से, कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने सितम वो सह रही हैं, इस तरह की कभी उन्होंने एक गैदरिंग नहीं रखी थी। अब पहली बार ये जो है वो फेफू की वजह से हो रहा है, इसीलिए सब पोला होगी, सीओ हो गए, एमा हो गई, क्रिस्टीना हो गई, सिंडी होगी, ठीक है, जूलिया होगी और फेफू है ना, ये सारे आपस में बहुत सारे ये सब के सब बैठे हुए थे वहाँ पे और खुश थे। एज एवरी वन सेटल, तो जूलिया एकदम से उस गन को पिक करती है, कौन सी गन है, ये वही गन जो कि ये फेफू चलाती थी अपने हस्बैंड के ऊपर, फिलिप के ऊपर, उस गन को उठाती है और उसको देख के वो एबसेंट दोबारा उसी में चली जाती है। किस बीमारी से होती है ये, पेटिट मेल्स यूसर, यानी सिंपल ब्लैंक आउट, और फेड हो जाती है यहाँ से। और उसके बाद वो उसी को देखती रहती है, सिंथिया वंडर व्हाट टू डू, और जो सिंडी और सिंथिया है वो सोचते थे अब किस तरह से इस पार्टी को जो है किस तरह से हमें टॉपिक को छेड़ना है और कि कैसे बात करेंगे, कैसे फंड रेजिंग करेंगे, इस तरह की वो अपना अलग सोच रहे होते हैं। इतने में जो जो हमारे पास जूलिया है वो उसको ही देखती रहती है गन को, और उसको देख के गन को देख के वो ब्लैंक हो जाती है, और कई बार उसे लगता है कि कहीं इस गन से वो खुद को नुकसान ना पहुँचा ले, और उसको वो और बीच में वो दोबारा से फेड हो जाती है, फिर वापस आती है एंड सीमिंग टू रिटर्न टू हर सेंसेस,
जैसे वो सेंसेस दोबारा उसको होश में आती है वो, तो वो डिसाइड करती है कि वो नीचे जाके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेगी एंड लाइक। और उसके बाद सिसिलिया एंड द फेफू, उसके बाद सबसे एंड में आती है सिसिलिया फेफू की फाइनल गेस्ट। तो यहाँ पे जो सेकंड इसमें है स्लाइड में, सारे जो इसके जो फ्रेंड्स हैं वो आ चुके हैं, सभी ऑन द स्टेज हैं, और ऑडियंस को सभी फ्रेंड के बारे में यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ तक हमारा लीड हो चुका। अब देखो पार्ट नंबर टू है, तो पार्ट नंबर वन तक हमें क्या क्या बातें पता चल गई। तो सबसे बार फेफो के बारे में, उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स हमें पूरे क्लियर हो गए बिल्कुल एंड तक। सारे फ्रेंड्स हमने देख लिए कौन कौन थे, और लास्ट में सिसिलिया आई थी, और सेवन फ्रेंड्स देख लिए विद फेफू, यानी टोटल एट। और उसके बाद जूलिया के बारे में हमें इंसिडेंट पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट वन जो है ये कंप्लीट हो जाता है, पर पार्ट नंबर टू अब शुरू होगा, ठीक है। पार्ट नंबर टू कुछ बातें बिल्कुल ज़्यादा ध्यान से देखने, देखो पार्ट नंबर टू में जो है फोर सेपरेट सीन्स है, तो फोर सीन होंगे पार्ट नंबर टू में। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि सिंपल अगर एनईटी या इंग्लिश में, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे पार्ट नंबर टू में कितने सेपरेट सीन्स थे। तो पार्ट नंबर टू में जो है फोर सेपरेट सीन है, और जो कि डिफरेंट रूम में चल रहे हैं, और ऑडियंस को जो है वो एक तरह से फोर सेपरेट सीन्स को फोर सेपरेट रूम में अलग अलग तरह से मूव करवाया जाएगा ऑडियंस को। तो यानी सिंपल पार्ट नंबर टू, ठीक है, पार्ट टू। और यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे कितने सीन्स है, यानी फोर सीन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और जो ऑडियंस है वो, और फोर सीन जो है फोर जो है डिफरेंट रूम में चल रहे हैं, और ऑडियंस जो है वो इसी तरीके से इनमें मूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इन वो फर्स्ट सीन, ठीक है। तो सीन नंबर वन के थ्रू जाएंगे हम, तो सीन नंबर वन में हमें क्या किस किस के बारे में, फेफू और एमा, ठीक है, जो है वो दिखाए जाते हैं किस तरह से वो वेजिटेबल्स लेके आते हैं, क्योंकि अब फाइनली जो पार्टी है उसमें वो वेजिटेबल्स के लिए वो जो खाना वाना जो है सिंपल वो बना रहे हैं, तो वेजिटेबल्स लेके आते हैं वो। और उसके बाद जो है एमा और जो फेफू किसके किस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, अगेन जेनिटल्स के बारे में, ठीक है। जेनिटल्स हो चाहे गोनाड्स हो, इट मीन्स अगेन अगर हम बात करें तो सिंपल इसका मतलब है इन द फीमेल और द मेल सेक्स पार्ट, है ना, यानी मेल या फीमेल, दैट इज़ कॉल्ड द जेनिटल्स, ठीक है। तो द क्वाइट फ्रीक्वेंटली एवरी वन हैज़ देम एंड शी सेज, वो कहते हैं कि हर किसी के पास कहीं ना कहीं उनका खुद का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पर फिर वो अपने बारे में कहते हैं दैट शी सेज दैट दे एक्ट लाइक दे डोंट, कि उन्हें ऐसा लगता है कि फेफू और एमा को कि उनके पास जो है उनको कभी फील ही नहीं हुआ कि वो एक तरह के प्रॉपर जो है वो उनको अपने सेक्स के बारे में एग्जैक्ट ठीक है पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट मेल है या फिर वो फीमेल है, यानी वो तो है तो फीमेल, तो उन्होंने कभी फीमेल वाली वो फीलिंग कभी उनके अंदर वो आई नहीं। तो ये तो नॉर्मल है हमारे पास दैट हमें पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड द जेंडर, ठीक है। तो बाई सेक्स कोई जो सेक्स है एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि मेल और जो फीमेल हो ना भगवान के द्वारा जो बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड द सेक्स, इट मीन द मेल और द फीमेल। और जो जेंडर है, जेंडर का मतलब क्या होता है, इट मीन द रोल रोल ऑफ द पर्टिकुलर सेक्स इन द सोसाइटी, कि समाज में जिस तरह का रोल प्ले करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द जेंडर, जो कि बोला जाता है 5 या 6 साल के बाद जेंडर को डिफाइन किया जाता है। क्योंकि अगर ये सिंपल सी बात है, अगर कोई फीमेल है और वो मेल की तरह मूव कर रही है और मेल की तरह काम कर रही है अगर वो, और मेल जैसा बिहेवियर है उसका, तो यानी अगर हम सिंपल बात करें तो सेक्स क्या है, दैट इज़ द फीमेल, पर जेंडर क्या है उसका, मेल। तो जेंडर डिफाइन होता है थ्रू सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रखना, जेंडर होता है थ्रू सोसाइटी, और जो बाकी जो बायोलॉजिकल फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड द सेक्स। तो इसमें हमें डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे देखो कि है तो वो फीमेल, अगर हम उनके सेक्स को डिफाइन करें दैट इज़ द फीमेल, पर उनकी जो जेंडर है वो उन्हें कभी फील ही नहीं हो रहा कि सोसाइटी में उनका रोल है क्या। तो यानी यहाँ पे बताया गया कि उन दोनों को कभी फीलिंग नहीं आती अपने अंदर, और वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया दैट थ्योरी दैट ऑल द पीपल गो टू द हेवन दैट हु विल दे हैव द सेक्स ऑफ द बेस्ट सेक्स, है ना। तो कहा जाता है कि जो जिनके पास जो यहाँ पे देखो दैट शी सेट द फोर्थ थ्योरी दैट द पीपल गो टू द हेवन बेस्ड ऑन हाउ विल दे हैव सेक्स, इनमें किस किस अच्छी तरह से वो आपस में सेक्स करते हैं इसके थ्रू वो हेवन में मूव करते हैं। तो यानी यहाँ पे एक तरह का ये दिखा रखा है, इट मीन दैट रिलेशन और दैट सेक्स इसके थ्रू जो है जो बेस्ट सेक्स होता है उसी के बेसिस पे जो है वो कोई भी जो इंसान है वो हेवन पे जाता है, हेवन में जाता है, ठीक है। तो पता नहीं क्या है, किस तरह की राइटिंग है, एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रखा है इसमें। इसके बाद फेफू लाइक द आइडिया, फेफू को ये आइडिया पसंद आता है, बट शी हैड सब द टॉकिंग एट द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ द पेन, पर वो कहती है कि अब उससे जो है एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पेन में रहती है, यानी उसको सिंपल जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं होती किससे, एमा से।
तो एमा और फेफू यहाँ अपने बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े से नॉस्टैल्जिक होके वो पुरानी यादों में चलेगी, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से उन्हें अपने जेनिटल्स के बारे में खुद ही नहीं पता, और ये उनकी एक बकवास थ्योरी जिसके ऊपर वो बिलीव करते हैं, ठीक है, इस तरह का है, जो कि साफ लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है। और जब दूसरे सीन में जो हमारे पास है सेकंड सीन, वहाँ पे दिखाया गया क्रिस्टीना और सिंडी, वो दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं, क्रिस्टीना इन सम हाउ दैट कन्फर्मिस्ट, क्रिस्टीना होती है वो जो होती है वो कन्फर्मिस्ट होती है, कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या होता है, जिस तरह के बाकी हैं उसी तरह के तुम होना, है ना, जैसे समाज में बाकी होते हैं उसी तरह के से अगर तुम हो तो तुम कन्फर्मिस्ट हो। तो क्रिस्टीना और सिंडी किसके बारे में बात करते हैं, फेफू के बारे में, उन्हें लगता है कि फेफू जो है वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, जिस समाज के जैसे लोग हैं उस तरह की यह है नहीं, जो कि उन्हें सही लग रहा था। देन सिंडी देन टेल्स हर अबाउट द ड्रीम दैट शी हैड एंडेड इन हर बीइंग चेजिंग बाय अ स्ट्रेंज यंग वुमन। तो उसके बाद सिंडी क्रिस्टीना को बताती है किस तरह से उसे सपना आया, उसमें एक अजनबी जो आदमी है वो उसके पीछे लगा हुआ था। मीन वाइल इन येट अनदर सीन दैट जूलिया लाइज इन ए बेडरूम बाय हरसेल्फ एंड नरेट। और उसके बाद इसी टाइम पे जो है एक और सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे जूलिया, वो ही जूलिया जिसको हेलुसिनेशन हो रही थी, और वो जो गन उसने देखा उसके बाद वो रेस्ट करने चली गई। दूसरे सीन में ऑडियंस को दिखाया जा रहा है जो जूलिया है वो एक बेडरूम में पड़ी हुई है, और उसके बाद वो खुद ही खुद हेलुसिनेट हो रही है अभी भी। एंड शी सेज दैट ए मिस्टीरियस ग्रुप ऑफ द जजेस हैव बीट एंड टॉर्चर्ड हर। और उसके बाद वो ये कहती है कि कुछ अजीब से जज जो है वो आए और उसने उन जजों ने मारा इसे और टॉर्चर किया, ठीक है। तो ये जूलिया को लग रहा है। यहाँ तक देखो, पहले क्रिस्टीनिया और सिंडी ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये एक तरह के चुगली पीट रहे हैं फेफू के बारे में, और ऊपर वाले में सीन में जब हमने देखा कि फेफू और एमा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रखे जेनिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यहीं पे हेलुसिनेशन सीन में हमें जूलिया दिखती है, ठीक है, जो जूलिया है वो कहीं ना कहीं जज के साथ एनरोल्ड है, और वो बता रही है कि किस के कैसे यंग मैन जो उसके पीछे लगे हुए थे और जज किस तरह से उसे बीट और टॉर्चर कर रहे थे। व्हेन शी टोल्ड देम दैट अबाउट द, उसके बाद उसने क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने क्या बोला कि दैट श्रिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, यानी शरीर के वो हिस्से जहाँ से स्मेल आती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जेनिटल्स सबको पता ही है ना, एनस, माउथ, आर्मपिट, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यहाँ से भी जो है उसने क्या बोला दैट स्टिंकिंग पार्ट आर इम्पॉर्टेंट वन, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो भी स्टिंकिंग पार्ट होते हैं। तो उसने बोला तो वैसे ये सही है पर फिर भी ये चीज़ बेकार है ना। वन ऑफ द जजेस टोल्ड हर दैट दिस बॉडी पार्ट हैव टू कीप क्लीन एंड पुट अवे, और एक जज ने उसमें ये बोला कि नहीं नहीं इस तरह की चीज़ें जो हमेशा साफ रखनी चाहिए, तो उनमें से हमेशा स्मेल आ ही नहीं सकती, और बाकी जो जजेस हैं आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट हैपेंड व्हेन दी हंटर शूट द डियर, बाकी सब उससे पूछ रहे थे कि जब तुम गए थे उस पे हंटिंग के लिए तो क्या हुआ था जब हंटर ने डियर को शूट किया। तो उसने सिंपल क्या जवाब दिया कि हंटर ने जब डियर को शूट किया था तो वो जो गोली थी वो गोली लगी किसको थी, इसको लगी थी, यानी जूलिया को लगी थी, और डियर मर गया और ये जिंदा है, ठीक है, यानी जूलिया को लगी थी गोली और डियर मर गया था, पर ये उससे लगता था ऐसा जबकि हुआ नहीं था, गोली लगी थी डियर को और जूलिया के अंदर एक पैनिक अटैक आ गया था जिस वजह से वो बार बार ही कन्फ्यूजन उसमें आ जाती, यानी उसको दौरे पड़ते हैं, ठीक है, पर उससे ऐसा लगता था कि वो जो है गोली उसे लगी और डियर जो है वो जिंदा घूम रहा है। तो बाकी जज उसे कहते हैं कि इस बात को तुम बाहर किसी को मत बताना, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट नंबर टू में ये स्लाइड में यही है। तो पार्ट नंबर टू में फोर सीन से तीन सीन पे देख चुके हैं, पहले सीन को याद रखना फेफू और एमा, और सीन को में बताया क्या गया वेजिटेबल से शुरू हुई जेनिटल्स पे ख़त्म होगी। सेकंड सीन याद रखना सिंडी और क्रिस्टीना का, जिसमें जूलिया के फेफू के बारे में वो ये बोल रहे थे कि किस तरह से फेफू जो है वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, बाकियों की तरह नहीं है। थर्ड सीन में हमें जूलिया का पागलपन दिखाया जाता है कि किस तरह से जूलिया हेलुसिनेट हो रही है और अभी भी वो जजेस के आगे है वो, और जज किस तरह से उसके केस को देख रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक है हमारे पास ये पार्ट नंबर सेकंड में इस स्लाइड में। यहाँ पे जूलिया कहती है वो जो बुलेट वो लगता है इससे है ना कि डियर को, ठीक है, बट दैट शी एंडेड अप दैट लिविंग व्हाइल द डियर डाइड। वो कहती है कि वो जिंदा है पर जो डियर है वो मर चुका। ये इसी पॉइंट पे जज उसे स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं कि इस सब चीज़ों को किसी को मत बताना। एज इफ सी स्पीकिंग डायरेक्टली टू दीज जजेस, तो जूलिया आस्क व्हाई दे हैव टू किल फेफू, ठीक है। तो यहाँ पे जूलिया यहाँ पे कहीं ना कहीं कहती है कि उसे जो है वो खतरा फील हो रहा है किसके ऊपर, फेफू के ऊपर, कि उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फेफू है वो खतरे में है।
तो इस टाइम पे जज उसे श्योर करते हैं कि नहीं नॉट किल द क्योर हर, कि यहाँ पे तो ऐसा देखो इस तरह का सीन लिखा हुआ है कि पढ़ के आपको लग रहा होगा दैट जूलिया आस्क्ड दैट व्हाई दे हैव टू किल द फिफ, कि उन सबको फिफो को क्यों मारना चाहिए, पर जो जज है वो कहता है कि नहीं फिफो को मारना नहीं है बल्कि फिफो को बचाओ। पर एक जगह और भी सीन है जिसमें लिखा हुआ है, जब आप डिटेल उसमें जाएंगे, कि जूलिया काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है कि उसको लेके फेफू को लेके उसे लगता है कि फेफू के ऊपर खतरा है, पर जज कहते हैं कि नहीं फेफू ऑलमोस्ट सेफ है, ठीक है। और जूलिया का जो हेलुसिनेशन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है जब जो सीव जो है वो सूप लेके आती है। इसके बाद जो है वो जो फोर्थ सीन शुरू होता है पार्ट नंबर 2 का, द पोला, और जो पोला और यहाँ पे हमें क्या मिलती है सिसिलिया, अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप, वो रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करती है कि वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। इससे पहले वो कुछ जोक से कनेक्टेड भी बातें करती है, दे हैवेंट स्पोकन इन ए व्हाइल एंड इट्स क्लियर दैट द पोला वांटेड टू रिकनेक्ट, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने आपस में बात नहीं करा, तो पोला चाहती है कि वो दोबारा से एक बार रिकनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो वो दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं, वो यहाँ से पता चलता है। उसके बाद क्या है, दैट शी इंसिस्ट दैट शी इज़ नॉट ट्राइंग टू विन द सिसिलिया बैक, वो कहती है पोला के ठीक है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें वापस चाह रही हूँ, बट शी जस्ट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस दैट हाउ मच शी हैज मिस्ड हर एंड हाउ द अबैंडनमेंट शी फील शी फेल्ट आफ्टर द सिसिलिया स्टॉप कॉन्टेक्टिंग हर। तो ये समझ आ गया होगा आपको नॉर्मली कि किस तरह से पोला बताती है कि पोला दोबारा उससे ये नहीं कहती कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोबारा से रिकनेक्ट हो, पर वो ये ज़रूर एहसास करवाना चाहती है सिसिलिया को, जब उससे सिसिलिया दूर हुई थी तो किस तरह से उसे अब अजीब सा लग रहा था, उसे काफ़ी मिस करा के से सिसिलिया को। और सिसिलिया ने जब से कांटेक्ट करना छोड़ दिया तो उसके बाद वो उसको लेके और अकेला फील करने लगी, अ बिट रिलेक्टेंट देन द पोलर्स एंड सिसिलिया इवेंचुअली सेज दैट शी मिस द पोलर टू, और उसी टाइम पे थोड़ा रुक के सिसिलिया ने भी कहा कि वो भी पोलर को मिस करती है, ठीक है। यहाँ पे जो पोला है जब ये सिसिलिया चली जाएगी तो पोला एक एक्सलेंट जो है कैलकुलेशन देगी अबाउट दिट लव अफेयर, वो मैंने आगे वाली स्लाइड में और कवर करवा रखा है, ठीक है। इन पार्ट नंबर 3 जो है वुमेन टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी वाइल द लॉजिक इन द लिविंग रूम जूलिया एक्नॉलेजेस, अब पार्ट नंबर 3 में जो है वो जूलिया को हेलुसिनेशन होता है, बट शी स्टिल ऑफन यर्स टू बी अराउंड द पीपल टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग शी डस, बट शी स्टिल ऑफन यर्न्स, पर उसे ऐसा लगता है कि देखो कि दैट टू बी अराउंड दैट अदर पीपल हु एक्सपीरियंस द सेम थिंग, क्योंकि जब जो जूलिया है उसको उसको ऐसा लगता है कि जो हेलुसिनेशन है हेलुसिनेशन जो है उसकी वो जो वो एक तरह का पागलपन है, जूलिया को ऐसा लगता है दैट हर हेलुसिनेशन आर द मैडनेस, बट शी स्टिल ऑफ्टन यर्न्स टू बी अराउंड दैट अदर पीपल हु एक्सपीरियंस द सेम थिंग एज शी डस, उसे ऐसा भी लगता है कि जो बाकी जो लोग हैं वो भी इसी तरह का कहीं ना कहीं कुछ फील कर रहे हैं। और इसमें फिर लिखा दैट शी हैज़ इवन ट्राई टू गेट एडमिटेड टू ए साइकेट्रिस्ट वार्ड बट डॉक्टर्स नेवर सेंड हर टू वन एंड शी फील्स दैट आइसोलेटेड अमंग द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स लाइक टू हेलुसिनेट। तो एक बारी वो साइकेट्रिस्ट के वार्ड के पास भी गई थी, पर उसने उसको एडमिट करने से मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं है, कि थोड़ा सा वैसे ही है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए फिर उसको अकेलापन महसूस होने लग गया, क्योंकि जिस तरह के लोग उसे जानते समझते कि हेलुसिनेशन क्या है वो उन लोगों के बीच में है ही नहीं, वो नॉर्मल लोगों के बीच में जो कि इस तरह के कंसेप्ट को समझते ही नहीं कि ऐसा हेलुसिनेशन होता क्या है। तो लास्ट वाले सीन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये समझना है पार्ट नंबर 3 है जहाँ पे वुमेन जो है कुछ लिविंग रूम में होते हैं और वहाँ पे कुछ बात करते हैं, इतने में जूलिया जो उसे लगता है उसका हेलुसिनेशन जो पागलपन है, वो एक बार ही गई भी थी अपने आप को एडमिट करवाने के लिए, साइकेट्रिस्ट के वार्ड में उसे एडमिट नहीं करा, फिर उसे लगने लग गया कि उसने एडमिट नहीं करा क्योंकि नहीं किया, इस वजह से अब वो जो नॉर्मल लोगों के बीच में घूम रही है और जो नॉर्मल लोग हैं वो समझ नहीं सकते कि हेलुसिनेशन होता क्या है। और यहीं पे जो कन्वर्सेशन है वो रैप अप हो जाता है, उसके बाद जो मेन जिसके लिए वो इकट्ठे हुए थे फंड रेजिंग की उसकी बात शुरू हो जाती है। एमा जो है वो एक प्रिपेयर करके आती है, एक थिएट्रिकल गिफ्टेड और एक स्पीच देती है, और यही जो होती है वो फीमेल एडुकेटर, जब स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था इनमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी फीमेल एडुकेटर जो है, वैसे सबके सब एडुकेटेड थे पर जो एमा है वो एक एक्टर नेम थी एमा शेरिडन, जो एक एक्टर है एमा शेरिडन फ्राई, उसके जो उसके बुक में से एक जो स्पीच है वो डिलीवर करती है। और उसके बाद जो है कुछ रिहर्सल होता है, उसके बाद जो फ्रेंड है अब वो अपने जो मेन मेन उस पर वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट नंबर 4 के पार जो इन द फोर्थ सीन पार्ट नंबर 2 पोला और सिसिलिया का, और पार्ट नंबर 3 में जो हेलुसिनेशन जो जूलिया को फील होता है, किस तरह से जूलिया को अलग कर दिया गया
मतलब वो चाहती थी कि उनके बीच में जाए जो हेलुसिनेशन जिनको हो रहा है ताकि वो उसे समझ सके। फिर फंड रेजिंग का काम होता है, फिर एमा आती है और एमा जो है वो एक स्पीच को डिलीवर करती है, वो एक स्पीच को डिलीवर करती है वहाँ पे। जो एमा जो है बस वहाँ पे के फीमेल एडुकेटर होती है, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है और अच्छी होती है। तो एमा जो है वो मोस्ट प्रिपेयर्ड करके आती है, थिएट्रिकली गिफ्टेड और डिलीवरिंग अ स्पीच टेकन फ्रॉम ए बुक बाय ए फीमेल एडुकेटर एंड द एक्टर, एक एक्टर का जो है एमा शेरिडन फ्राई, उससे से कुछ एक वो लेके आती है वो और वो स्पीच को वो डिलीवर करती है। ठीक है, तो कोई एक अच्छा सा उसमें से एक एग्जर्प्ट निकाल के लेके आती है जिससे कि वो बता सके कि एजुकेशन की वैल्यू कितनी है और किस तरह से थिएटर एजुकेशन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उन तक भी इस तरह की नॉलेज पहुंच सके। इसके बाद जो सेट करते हैं यानी एक दूसरे के ऊपर पानी डालना शुरू करते हैं और विद मैनी ऑफ देम ट्राइंग टू डम्प दी वाटर फ्रॉम देयर ग्लासेस टू दी अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो पानी को डंप करना शुरू करते हैं यानी पानी में भिगाना शुरू कर देते हैं। वेन दिस डाइज द फेफू ब्रीफली हेलुसिनेट, इसके बाद जो है वो फेफू हेलुसिनेशन में चली जाती है, ये ध्यान रखना फेफू हेलुसिनेट हो जाती है। और वो हेलुसिनेशन में देखती है कि जूलिया जो है वो लिविंग रूम में चल रही है, ठीक है, यानी व्हील चेयर से उठ के चल रही है और ये कुछ सेकेंड के लिए होता है, 25 से 30 सेकेंड हार्डली इस टाइम इतना होता है कि इतनी देर तक जो है फेफू को हेलुसिनेशन होती है। उसके बाद जैसे ही वो हेलुसिनेशन से बाहर निकलती है तब वो उसे एनकरेज करने लग जाती है कि तुम चल सकती हो, तुम ये कर सकती हो, पर ऐसा फील नहीं होता जूलिया को। और ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन इसी बातों में जो जूलिया है वो फेफू से पूछती है कि उसका रिलेशन फिलिप के साथ, तो फेफू बोलती है कि अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं है, पर हाँ फिलिप के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है तो उसे इस बोझ को चलाना ही पड़ेगा। शी देन ट्राइज टू गेट द जूलिया टू स्टैंड, दोबारा वो जूलिया को कोशिश करती है खड़े करने के लिए, उसको काफ़ी ज़्यादा कहती है कि तुम गिवन अप कर रही हो, बार बार ही खुद हार मान देती हो। उसके बाद उसे प्रमोट भी करती है कि उठना चाहिए। और फिर जब वो इतने में जो है क्रिस्टीना है वो एंटर करती है, जब क्रिस्टीना एंटर करती है तो उसके बाद देखने को यहाँ पे पूरे सीन में ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जो फेफू है वो एपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगती है, किससे माफ़ी मांगेगी वो अगेन जूलिया से, कि उसने जूलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी कि उठ खड़ी हो चल के दिखा, जबकि उसने उसको पता होना चाहिए कि वो कितनी ज़्यादा मजबूर है और उसको स्पाइन पे इंजरी आ रखी है, उसका स्पाइन नर्व जो है वो बिल्कुल ही डैमेज हो रखा है, तो ऐसे में नहीं चल सकती, पर फिर भी उसने उसके ऊपर इतना प्रेशराइज़ करा। और अपने जैसे गिल्ट फैक्टर जब उसके अंदर बढ़ जाता था, उस गिल्ट फैक्टर को क्लीन करने के लिए वो अब गन को उठा के बाहर चली जाती है। वन शी इज़ आउट द रूम द जूलिया नर्वसली आस्क्स, जैसे वो बाहर चली जाती है तब जो जूलिया है वो सिसिलिया से पूछती है, यहाँ ध्यान से देखना, जूलिया सिसिलिया से पूछती है कि क्या जूलिया ने फेफू को कोई बात तो नहीं बताई। अब देखो हैरानी की बात है कि जूलिया सिसिलिया से पूछ रही है कि उसने खुद फेफू को कुछ बात तो नहीं बताई, पर सिसिलिया काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है कि पता नहीं क्या बोल रही है, कि जो ऐसा क्या था जो कि जूलिया को जो फेफू को बताना था। ठीक है, दोबारा सुनो, जूलिया जो है वो सिसिलिया से पूछती है कि उसने कहीं फेफू को कुछ बोल तो नहीं दिया। तो इतने में जो है कि सिसिलिया तो अभी आई थी, सिसिलिया को पता नहीं, वो काफ़ी कंफ्यूज थी, वो कहती है ऐसा क्या था जो कि जूलिया ने फेफू को बोल दिया। इन रिस्पॉन्स जूलिया कहने लगी कि शी न्यू, फेफू जानती है। ठीक है, यहाँ पे देन फ्रॉम द आउटसाइड देयर कम्स द साउंड ऑफ द गन शॉट, बाहर से गन शॉट की आवाज़ आती है। और जब क्रिस्टीना एंड सिसिलिया गो टू सी व्हाट हैपेंड, तो क्रिस्टीना और सिसिलिया भाग के जाते बाहर देखने के लिए क्या हो गया, और जूलिया इतने में उसके दोबारा से पैनिक अटैक पड़ता है और वो आगे की तरफ गिर जाती है, उसके सर पे से खून निकलने लग जाता है, फिर दोबारा बैक साइड गिरती है वो। और जब बाहर से फेफू अंदर एंटर करती है कि उसने एक डेड रैबिट को मार दिया, देखो उसने ऐसा करा क्योंकि अंदर का गिल्ट फैक्टर जो और जो उसके अंदर का बहुत ज़्यादा जो उसे अजीब फील हो रहा था क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्रेशराइज करा, उन सबको रिलीफ देने के लिए उसे बाहर जाके शूट किया। ठीक उसी तरह से जैसे वो फिलिप को किया करती थी और किससे, एक ब्लैंक बुलेट से, और उसने बोला भी था अगर मैं ऐसे ना करूँ तो एक दिन कहीं सच में ना फिलिप को मार दूँ, इसलिए अपने आप को रिलीज़ करने के लिए, अपने अंदर के एंग्री फैक्टर को कम करने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। पर जैसे उसने वो शूट करा तो जब अंदर आके देखा तो अंदर जूलिया मर चुकी थी, और यहीं पे जो क्लाइमेक्स सीन आ जाता है, सारी वुमेन वहाँ इकट्ठी हो जाती है और यहीं पे सीन ख़त्म, यानी जूलिया की डेथ के साथ ये जो सीन है ख़त्म हो जाता है।
यहाँ पे हमारी स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है, पर इसके साथ साथ कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सच में डिस्कस करना चाहिए, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि पार्ट नंबर 2 जो था वो कन्फ्यूजिंग था। तो पार्ट नंबर 2 ही, और सबसे ज़्यादा डिटेल में भी पार्ट नंबर 2 ही था, इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखो, ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो पार्ट नंबर हम क्या कर रहे हैं, जिसको डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के देखो, चार मैंने बोले थे, इसमें चार जो हमारे सीन सेटअप है, और ऑडियंस चारों टाइम पे चार लोकेशन पे मूव करेगी। तो हम लोकेशन नंबर 1 पे चलते हैं। तो एक ही वो जो हाउस है, उसके अलग अलग जगह पे जो सीन को सेटअप किया गया है। तो फर्स्ट सीन जैसे मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको करवा रखा है समरी, वहाँ पे डिटेल में, पर एक दो बात जो है मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है, जिसे करना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट सीन जो है इन द लॉन, ठीक है। तो उसे लॉन में सेट किया गया है, जिसमें कि हमारे पास दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारे पास कौन है, एमा, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, यानी फेफू, ठीक है, एमा एंड फेफू। और इसमें किन किन टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं, इट मीन द लव के ऊपर, अगेन द जेनिटल्स के ऊपर, जेंडर जो है लिक्विडिटी उसके ऊपर, ठीक है, एंड सेक्स, इन सब के ऊपर इसमें डिटेल में बात करते हैं वो दोनों। और फेफू जैसी जाती है, उसके बाद जो एमा है, यानी जैसे ही फेफू स्टेज से चली जाती है, जब वो सीन से आउट हो जाती है, तो एमा जो है उसके जाने के बाद शेक्सपियर के सोनेट नंबर जो है, सोनेट नंबर 14, ठीक है, तो सोनेट नंबर जो 14 है शेक्सपियर की, उसको रिसाइट करती है। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, सोनेट नंबर 14। और सोनेट नंबर 14 अगर हम शेक्सपियर की डील करते हैं, उसमें क्या है ये बता रखा है। देखो नॉर्मल उसमें पॉइंट ये है कि जो जो अच्छे होते हैं, जो खूबसूरत लोग होते हैं, उनको फाइनली मैरिज कर लेना चाहिए, क्योंकि बेशक वो इस दुनिया में रहे ना रहे, पर उसके बाद जो उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी उनकी शक्ल के इस चीज़ को, इस जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। और इस तरह से उनका चेहरा जो है, वो इसी तरह से फर्दर ऑन मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो इसीलिए बेशक इसीलिए हर इंसान को मैरिज करना चाहिए, उसके बाद जो है उनके बच्चे, वो उनके एज एन फेस आइडेंटिटी को आगे मूव करवाते रहते हैं। तो इसके ऊपर है सोनेट नंबर जो 14 है शेक्सपियर का, तो वो इस पे है, ठीक है। वो एंड में इसी को ही बोलती है, अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैरिज, और इम्पोर्टेंस ऑफ, ये भी हम बोल सकते हैं, किस तरह से लुक मैटर करती है, और उस लुक को सर्वाइव करने के लिए, एक आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए मैरिज ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो उसी चेहरे को आगे कैरी करते हैं, क्योंकि वो जीन्स कैरी करते हैं या तो फादर या मदर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। इसके बाद पार्ट नंबर 2 का एक और सीन है हमारे पास, इन द स्टडी रूम, ठीक है। अब जो सेकंड सीन है हमारे पास, वो कहाँ का है, स्टडी रूम में है। और तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकंड सीन जो है वो हमारे पास स्टडी रूम में है, ठीक है। जो स्टडी रूम में हमारे पास, यहाँ पे दो कैरेक्टर निकल के आएंगे, एक तरफ हमारे पास क्या है, सिंडी, और जो दूसरी तरफ हमारे पास है वो है क्रिस्टीना। तो सिंडी और क्रिस्टीना इसमें, और इसमें किस टॉपिक के ऊपर बात होती है, यानी जोक्स करते हैं वो आपस में, और इसके साथ साथ जो है फेफू, फेफू के बारे में, किस तरह से फेफू जो है एडवेंचरस है, एक सबसे हट के, उसके बारे में बात होती है यहाँ पे। और इसी में ये बताया गया कि सिंडी किस तरह से ड्रीम देखती है, और उस ड्रीम में वो देखती है कि उसके पीछे किस तरह से बाकी जो मैन है वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और पार्ट नंबर जो इसको, बाकी और कुछ खास नहीं है। इसके बाद हमारे पास पार्ट जो फर्स्ट सीन जो है हमारे पास इन द लॉन है, सेकेंड सीन हमारे पास स्टडी रूम में, बाकी दो सीन और रह गए, उन दोनों को और देखते हैं। तो अब इससे जो नेक्स्ट, तो ऊपर यहाँ पे हम टॉपिक डाले थे इन द बेडरूम, अब जो सीन है हमारे पास वो कहाँ का है, बेडरूम का। तो अब इस वाले उसमें आपको देखना है क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टर है हमारे पास, जूलिया दिखा रखी है, और जूलिया का किस तरह से जो मोनोलॉग दिखाया गया, और किस तरह से वो खुद में बात करती रहती है, और उसका जो पैनिक और कन्वुलसिंग, इट मीन्स अगेन दौरे पड़ना, वो सब इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद वो एक एक्सीडेंट के बारे में जो है उसमें बात करती है, और जजेस वाला सीन इसी में है, जैसे कि लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था जजेस को लेके। और उसके बाद वो ये भी कहती है, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, जूलिया जो है वो कहती है कि फेफू के ऊपर खतरा है, जज को बोलती है कि फेफू के ऊपर जो है वो खतरा है, पर जज बोलते हैं कि नहीं, फेफू जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। उसके बाद एंड वाले सीन में हमें दिखाया गया जूलिया अपने मुँह पे खुद थप्पड़ मारती है, ठीक। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसमें। और उसके बाद इस सीन का एंड होता है जब सीयू जो है वो सूप लेके आती है, ठीक है। यहीं पे जो सीन जो है बेडरूम वाला वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर इसमें ही जो है फोर्थ सीन होगा, और फोर्थ सीन जो सेट किया गया वो कहाँ पे किया गया, अगेन द किचन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ सीन जो है वो किचन में सेट किया गया। यहाँ पर जो दो कैरेक्टर हमारे पास, एक तरफ पोला और दूसरी तरफ क्या है, सीयू है, ठीक है। ये किसके बारे में बात करती है, अबाउट द लव एंड अफेयर इन टाइम, ठीक है। तो लव है इसमें, अफेयर है उसमें, टाइम के ऊपर बात है। उसके बाद लव की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसमें,
जो कि पोला देती है, तो वो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है। तो जो पोला की जो डेफिनेशन है अबाउट द लव अफेयर, उसी इनको याद रखना है, ठीक है। किस तरह से एक डिटेल और एक फ्लो चार्ट में एक सिस्टम के थ्रू समझाया। पहले उसने बोला देखो 3 मंथ्स, उसने बोला पहले कोई भी लव जो होता है वो 3 मंथ्स मतलब इतना लग जाता है उसे स्टार्ट होने में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 3 मंथ्स का पहले स्पैन होता है। उसके बाद उसने बोला 1 ईयर, ठीक है, 1 साल किस में लग जाता है। अगेन दैट सेइंग इट्स ऑल राइट, कि उस 1 साल के अंदर वो कहते हैं ठीक है सब कुछ जो चल रहा है इट्स ऑल राइट, है ना, वो सब कुछ सही चल रहा है, इट्स ऑल राइट। उसके बाद जो है अगले जो 1 ईयर है, वो अगला 1 ईयर क्या होता है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग, उसमें वो ये पता करते हैं कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स, ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जो है अगले 2 साल यानी 2 ईयर वो किस में जाते हैं, नोइंग द एंड हैड कम, इनको पता चलने लग जाता है कि ठीक है अब एंड आने वाला हो गया, ठीक है, लव इशू का और लव अफेयर का। तो दैट नोइंग दैट एंड हैड कम, ठीक है, इसको याद रखना, एंड हैड कम। इसके बाद क्या है, 1 ईयर दैट फाइंडिंग द वे सो एंड इट, लास्ट के 1 ईयर वो ये कोशिश करते हैं किस तरह से इसको एंड करें, इट मीन फाइंडिंग द वे टू एंड इट। और उसके बाद आफ्टर सेपरेशन, इसके बाद सब अलग हो जाते हैं। दिस इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ द लव एंड दैट अफेयर ऑफ द लव, पोला ने जो डिफाइन किया। तो यानी कितने स्टेप है, फर्स्ट स्टेप यानी 3 मंथ्स का, सेकेंड में इट्स ऑल राइट, सेकेंड स्टेप, थर्ड में क्या अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स रॉन्ग, कि ये पता करते क्या गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप द नोइंग दैट एवरीथिंग हैड कम टू एंड, फिर उसके बाद एंड उस लास्ट वाले उसमें क्या होता है दैट फाइंडिंग द वे सो एंड इट, कि किस तरह से उसे ख़त्म करें, फाइंडिंग द वे टू एंड इट। उसके बाद लास्ट में क्या होगा दैट आफ्टर सेपरेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उसमें कवर नहीं थी वो मैंने फाइनली यहाँ पे कवर कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बाकी अलग अलग जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में उन सबको। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले देखो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है मिलेंगे जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। देखो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्ले। तो एक्सपेरिमेंटल प्ले है, ऐसा नहीं कि रियलिटी है इसमें कुछ नहीं, इसमें रियलिटी नहीं है इसमें। और जो बाकी जो वे एक लीनियर और सीक्वेंस वे ऑफ राइटिंग होती है, जो ओल्ड पैटर्न था उन सबको इसने इस तरह की राइटिंग ने रिमूव कर दिया। तो ये जो फेफू एंड हर फ्रेंड्स है ये उस तरह का सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ राइटिंग नहीं है। एट द सेम टाइम जो सेम टाइम इवेंट पे अलग अलग जो है, जैसे कि पार्ट नंबर 2 पे आप देखते हो कि एक ही टाइम पे जो है वो ऑडियंस 4 अलग अलग सीन की तरफ मूव हो रही है एट ए सिंगल टाइम, ठीक है, सिंगल टाइम पे। तो इसी तरह से जो ओल्ड पैटर्न है, जो ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग है, उसको इसने हटाया और एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट वे से एक्सपेरिमेंटल प्ले की राइटिंग है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो एज एन एक्सपेरिमेंटल प्ले दैट पिक्चराइजेस द ऑडियंसेस एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन टू द एक्चुअल प्लॉट एंड द नैरेटिव। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कैप्चर द फीलिंग ऑफ द रियलिटी, के फीलिंग ऑफ रियलिटी है बट नॉट अगेन द रियलिटी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन है, आउटर डायमेंशन है, जिससे आपको लगेगा कि रियलिज्म है, पर साफ लिख रखा है इट डजनॉट फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द रियलिज्म। एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट का यूज़ किया गया है, द मेंबर्स आर इमर्स देमसेल्फ इन टू द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द कैरेक्टर। इस तरह से होगा जैसे कि आप एक रियल वे में इस तरह का कुछ हुआ हो सीन, पर वैसा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल राइटिंग है। बार बार ही मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ इसमें। द बेसिक स्ट्रक्चर आर स्टेजिंग द प्ले इलस्ट्रेट दिस वेल, एंड द एक्ट इज डिवाइड इन 4 सेपरेट सीन पे, चारों को एक साथ चलाया गया। जो ओल्ड ऑर्डर था, जो इससे पहले का जो वे ऑफ राइटिंग थी, उस सबको इसने हटाया। दिस अप्रोच टेक्स द एम्फेसिस ऑफ द लीनियर स्टोरी टेलिंग इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंटिंग द प्ले इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडियंस इन पीस टूगेदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरह से जो स्टोरी टेलिंग का एक लीनियर और सिक्वेंशियल ऑर्डर था उसको हटा के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस एक सब्जेक्टिव एसेंस रखा गया। ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं किया, आउटर डायमेंशन नहीं दिखाया गया, क्योंकि एक सब्जेक्टिव एसेंस में रखा गया जहाँ पे बिहेवियर जैसे एस्पेक्ट को दिखाया गया है। इट मीन्स नेचर किस तरह का है, किस तरह से अलग अलग जो इसमें कैरेक्टर है वो अंदर से किस तरह से हर अलग अलग कंडीशन में वो फील कर रहे थे, उस सब चीज़ को दिखाया गया। तो इनर और जो बिहेवियर का कंसेप्ट है वो उसी को बोला जाता है सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को दिखाया गया और सबको एक साथ ही रन करवा दिया गया। और बस अब इसमें ये है कि सब्जेक्टिविटी और उसके साथ एक एक ही सिंगल टाइम पे 4 डिफरेंट सीन को मूव करवाना। जस्ट द सीन ऑफ द एक्ट नंबर सेकेंड डज नॉट हैव द थ्रू लाइन द प्लॉट रिलेटेड टू द रिलेवेंट ऑफ द वन एनदर। तो कोई ऐसा नहीं है कि प्लॉट को कनेक्ट किया गया कि उससे और इसको जो कनेक्ट किया गया। देखो प्लॉट क्या, इट मीन द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी।
जो भी स्टोरी लाइन है उसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ द प्लॉट। प्लॉट हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हाँ फिर भी स्टोरी लाइन को भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना चलाते तो हुए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 3-4 कंडीशन को एक साथ ही रन करवाया गया। और बाकी इसमें आप देख लेना, बाकी जो स्टोरीज आपको कनेक्टेड दिख रहा है वो सब कुछ ऐसे लिखो, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी इन दिस वे द फेफू एंड हर फ्रेंड एज इट स्कोर द प्ले अबाउट द लिव्ड एक्सपीरियंस एंड हाउ द पीपल मेक द सेंस ऑफ देयर लाइफ, कि हर किसी की लाइफ में किस तरह से एक रियल सेंसेस में डिसजॉइंटेड डिसऑर्डर वे में लिखा गया, एक न्यू एक्सपेरिमेंटल एसेंसेस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं दिस इज अगैन एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर। इस पॉइंट से अगेन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी डाले जाते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है, ये फेमिनिस्टिक फेमिनिस्ट राइटिंग है। और अगर इसमें अगर आप कैरेक्टर्स देखे होंगे और जिस तरह का इसमें सीन और सिनेरियो चल रहा है तो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का कंसेप्ट इसमें क्लियरली कोई देख सकता है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट, फीमेल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट और फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिस्टिक राइटिंग है क्योंकि देखा होगा फेफू एंड हर फ्रेंड इसमें सारे जो है फीमेल ही है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी फीमेल है, किस तरह से वहाँ एक पार्टी और एक सोशल क्रिटिक चल रहा है वहाँ पे, सोशल क्रिटिक नहीं, सिंपल अगर हम बोले तो एक फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म का कंसेप्ट है वो रखा गया था। ठीक है, और सब आपस में बात कर रहे थे तो और जो जेंडर नॉर्म्स है सोसाइटी को उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रैंगुलेट किया गया, अपने कंसेप्ट को रन करवाया फीमेल ने, जैसे कि एक आम फीमेल का जो कंसेप्ट एक हाउसवाइफ जैसा कंसेप्ट वो इसमें देखने को नहीं मिलता, जबकि जो सोसाइटी में जो जेंडर नॉर्म्स जैसे कंसेप्ट है उन सबको चैलेंज किया गया। उसके बाद द फीमेल रिलेशनशिप विद द फीमेल यानी लेस्बियन जैसे उसको भी दिखाया गया, तो LGBTQ या क्यूएर स्टडी के लिए भी दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर या फिर क्यूएर स्टडी है ना, तो क्यूएर स्टडी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें दिखाया है जेंडर लिक्विडिटी जैसे कंसेप्ट को, कि किस तरह से ज़रूरी नहीं है कि दैट सेक्स एंड द जेंडर रिप्रेजेंट द सेम थिंग, और ये मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया तो वहाँ पे आप समझ सकते हो। तो द वुमेन स्टेइंग द फेफी हाउस आल जितने भी आर ऑल वेरी अवेयर ऑफ द वेज इन द रेस्ट्रिक्टिव जेंडर डायनेमिक्स और एंड द एवरीडे लाइफ, तो जेंडर मैंने पहले बोला था जेंडर डायनेमिक्स को चैलेंज किया गया और सोशल नॉर्म से हट के लिखी गई है एक तरह की ये राइटिंग, चैलेंजिंग बेस्ड राइटिंग है, एक्सपेरिमेंटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, और दे रेसेंबल द प्ले इन ऑल द फीमेल एक्ट इन द सिग्निफिकेंट डिटेल्स, सारी डिटेल बहुत सिग्निफिकेंट रखी गई है, मेन का रोल इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जहाँ पे फिलिप को देखने को मिलता है बस एक जगह, और वुमेन ने ही एज एन सेंट्रल रोल प्ले किया है, जो कैरेक्टर है इसमें साउंड बेस्ड कैरेक्टर है, कैरेक्टर ने प्लॉट को रन करवाया इसमें, प्लॉट जो है रीजन स्टोरी लाइन के बीच में इतनी स्ट्रांग नहीं है, सिंपल सी बात है एक जो पार्टी है उसके लिए 7 फ्रेंड्स को जो है वो फेफू इन्वाइट करती है अपने घर पर, और सिंपल जो प्लॉट है वो ये है कि एक फंड रेजिंग कंसेप्ट है, दिस इज़ द स्टोरी लाइन, दिस इज़ द अगेन द प्लॉट, प्लॉट बस ये है कि एक फ़ंड रेजिंग के लिए उन सभी लोगों को बुलाया गया था, तो ये प्लॉट है। स्टोरी लाइन क्या है कि जिस तरह से कहानी मूव कर रही है और एक्सपेरिमेंट किया गया मैंने पहले बताया, तो प्लॉट और ये सब नहीं है, बट ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैट मीन द कैरेक्टर, कैरेक्टर किस तरह के गंदे फ्लैट कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर कोई नहीं है जो कि कहानी में कहीं ना कहीं मूव करता रहे और अपने रोल को बदलता रह रहा है, ऐसा नहीं है, तो फ्लैट कैरेक्टर साउंड कैरेक्टर इसके ऊपर जो है वो स्टोरी को रन करवाएगा, और इन्होंने प्लॉट को हर जगह अलग अलग जगह फैब्रिकेट और फिक्स किया है। बाकी स्लाइड को से देखना है आपको कि किस तरह से फीमेल और फीमेल वॉइस को रेज किया है, जो ठीक है, और फोर्थ में वो फेमिनिज्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहाँ पे फीमेल को एक अलग एजेंडा से दिखाया गया है, जैसे कि पार्टी एंजॉय करते हुए यहाँ पे एक तरह का किटी पार्टी जैसे कंसेप्ट को, और फीमेल एज एन क्रिटिक की तरह कर रहे हैं, और वो जो बाकी सोसाइटी को चैलेंज पर रखा गया है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है जो प्रोटोकॉल्स है उनको डायरेक्टली एंड फ्री चैलेंज किया गया, तो दिस इज़ अगेन द फोर्थ वेव ऑफ द फेमिनिज्म। बाकी ये कहानी हमने की थी उसमें आपने देख लिया होगा कहाँ कहाँ पे अट्रैक्शन वाले पॉइंट्स थे, कहाँ रोमांस वाले और कंपेनियनशिप, तो ये सिंपल आपकी स्टोरी से ही कनेक्टेड है, तो अट्रैक्शन देख लेना कहाँ कहाँ पे फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन है, रोमांस भी वहाँ है, कंपेनियनशिप भी वहाँ है, तो सिंपल एक तरह से स्टोरी को 2-3 बार ये देख लेना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से इस वॉलेंटियरशिप है, इसमें होती म्यूचुअल सपोर्ट है, ये भी दिख गया होगा कहाँ कहाँ पे म्यूचुअल सपोर्ट मिल रहा है आपको सीन, सिंपल स्टोरी को रोको या फिर स्लाइड को रोको, स्टोरी को 2-3 बार ही देखो, वहाँ से जो जो आपको कनेक्टेड लग रहे हैं अबाउट द फ्रेंडशिप थीम से और जो म्यूचुअल सपोर्ट से आपको लग रहे हैं उन्हीं सबको कनेक्ट करके आंसर को प्लॉट कर दो। ये अगेन एक्सटेंशन है पिछले वाले स्लाइड का, ठीक है, तो इसे फिर इसी तरह से करना, जो इंपॉर्टेंट स्लाइड को रोको, जो जो मटेरियल आपको दिख रहे हैं उसे उतार लो, क्योंकि आंसर राइटिंग मटेरियल काफ़ी आपको यहाँ से मिलेंगे,
उसके बाद जहाँ जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल रही है तो सिंपल आपको कनेक्ट करना है, स्टोरी को देखो, उससे उठाओ और कुछ लाइंस यहाँ से उठाओ और ऐसे इस तरह से आपको आंसर जो है वो अटेम्प्ट करना है। बाकी यहाँ ये रही होंगे जैसे कि हमारे पास सफरिंग है, उसके बाद रिप्रेशन है, जो अंदर की फीलिंग जो निकल के आ रही है उसको रिप्रेस करना है, उसके लिए फेफू एक सही कैरेक्टर है रिप्रेजेंट करने के लिए, और सफरिंग के लिए जूलिया, और वायलेंस के लिए आपको जैसे कि गन का दिखा रखा है, गन को शॉट करना, एंड वाले सीन भी जो है रैबिट से एंड हुआ है वो भी गन के प्रेजेंस को दिखाता है, ठीक है। तो वायलेंस का सीन भी है, रिप्रेशन हमें थ्रू फेफू लग रहा है जो कि अपने अंदर के उसको रिप्रेस करना, जो फीलिंग अवेक हो रही थी, और रिप्रेशन के लिए जूलिया भी है, ठीक है। तो सिंपल सीन से देखो और कनेक्ट करो मीनिंग से आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ से भी जो जो लाइन्स इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको देख सकते हो, वो ये इसमें सीन देखो, तो वो ही सारा सिनेरियो है, बहुत सिंपल है, बस एक बार रोको स्लाइड को और देखो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द गन एज एन सिंबल। तो गन किस चीज़ का सिंबल है, तो हमें यहाँ पता है वायलेंस का सिंबल है गन, ठीक है। तो वायलेंस का सिंबल है गन, उसके बाद इनकैप्सुलेट कर रखा है इस पूरी कहानी को गन ने। इनकैप्सुलेट का मतलब सिंपल होता है कि एक तरह से जैसे कि कहानी की शुरुआत हुई तब भी गन के शूट से हो रही है, जो कि जूलिया जो है, सॉरी जूलिया नहीं, फेफू जो है वो फिलिप के ऊपर शूट करती है एक ब्लैंक बुलेट से, और जो कहानी का जो एंड है वो भी हमारे पास अगेन इसी से होता है कि फेफू दोबारा शूट करती है रैबिट को। तो ये कहानी जो है पूरा इनकैप्सुलेटेड मूव पे चलती है, कि स्टार्टिंग में इनकैप्सुलेट का मतलब जैसे कैप्सूल के ऊपर का जो कवर होता है इनकैप्सुलेट यानी कवर करना, तो कहानी इनकैप्सुलेशन मूव पे गन के थ्रू चलती है, और गन एज एन वायलेंस को दिखा रखा है। गन यहाँ पे और भी कई सब्जेक्टिव एसेंस जैसे जूलिया जैसे कैरेक्टर को इवोक करती है, जिसकी वजह से क्लाइमेक्स सीन पे हम सब पहुँच सके हैं, ठीक है। जो क्लाइमेक्स सीन है ये जो प्ले क्लाइमेक्स सीन पे मूव करती है बिकॉज ऑफ ओनली द गन, ठीक है। तो गन वो है, गन के शॉट से फिर उसके बाद दोबारा से पैनिक अटैक होता है और जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है जूलिया की, और जूलिया जो विक्टिमाइज होती है वो भी थ्रू गन के थ्रू ही होती है। तो वायलेंस का सीन इसमें प्रेजेंट किया गया है और जूलिया डायरेक्टली कनेक्टेड है इस सिंबल से। नो दिस इज़ वेरी सिंपल, अगर कैरेक्टर स्केच है आप खुद भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूर नहीं है कि इस वाले सीन के हिसाब से लिखो, अपनी वैसे लिखो, बेस्ट लाइन लिखो, बाकी जो उसमें लाइन्स इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप गई होगी इसमें देखो क्या है, द फीमेल सेल्फ डायरेक्टेड एंड ऑपरेशन इन द मैरिया इन द फॉन्ट्स थ्री प्लेस, तीन प्ले में जो है वो मेन ये है कौन कौन से सिंबल एज एन यूज किए गए, एक तो सेल्फ डायरेक्टेड फीमेल, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन एज एन थीम, और उसके बाद जो किस किस प्ले में ये दोनों के फीमेल का सेल्फ डायरेक्शन और ऑपरेशन किस तरह से फीमेल को ऑपरेस किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है। वो तो फेफू एंड हर फ्रेंड में भी है, सरिता में भी है, दमड में भी, और ये सभी पोस्ट फेमिनिस्ट ग्राउंड से हमें इसे रीड करना है, ठीक है। तो पोस्ट फेमिनिस्ट रीडिंग है यानी फेमिनिज्म के बाद का दौर, ठीक है। वैसे बोला था फोर्थ वेव कैसे, वैसे माना जाता है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म तक था, उसके बाद अगर हमें पोस्ट फेमिनिस्ट ग्राउंड के बीच से देखना है तो आफ्टर दैट ऑफ द फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म के बाद इस पीस ऑफ राइटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे वो है ये। तो साइड में हमने देखा कि ये पोस्ट फेमिनिस्टिक ग्राउंड पे इसको डिफाइन करना है, तो पोस्ट फेमिनिस्टिक ग्राउंड पे डिफाइन करने का मतलब देखो, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, इसके बाद जो है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद जो फीमेल को जो है ऐसा माना जाता था उसको चैलेंज पर रखा गया। चैलेंज पर रखने का मतलब क्या है, जिस तरह से फीमेल और जो फीमेल को कंसिडर किया जाता था और वो ये जो जेंडर इशू था फीमेल का उसको खुद चैलेंज पे रखना, दिस इज़ कॉल्ड अगेन द पोस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। जैसे कि इस वाली कहानी में प्ले में हमने फाइनली क्या क्या बातें यहाँ पे देखी कि जो फीमेल एज एन कनेक्टेड टू द अनदर फीमेल, जो कि एज एन इस तरह के पिक्चर में फीमेल को कभी रखा नहीं जाता था, तो वो जो जेंडर रोल है, उसके बाद जेंडर रोल के बाद जेंडर एक्सप्रेशन और सिंपल एक्सप्रेशन और जो आइडियोलॉजी है, दैट इज़ अगेन द पोस्ट फेमिनिज्म, यानी फीमेल को जिस तरह से कंसिडर करना और उससे बिल्कुल वैसे ना देखते हुए एक अलग रोल में फीमेल को देखना, ठीक है, जिस तरह से हमने कंसिडर किया था, और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म तक जिस तरह से फीमेल का रोल था उसके बाद एक तरह से कंप्लीट चेंज देखना, दिस इज कॉल्ड द पोस्ट फेमिनिज्म। इसी को पोस्ट फेमिनिज्म बोलते हैं, जहाँ पे जेंडर रोल ऑफ फीमेल को वो भी एक चैलेंज पर रखा गया, जिस तरह से जेंडर रोल कंसिडर किया जाता था फीमेल का वैसा ना करना, जैसे लेस्बियन जैसे कंसेप्ट को जो दिखाना, तो वो कहीं ना कहीं पोस्ट फेमिनिज्म है, ठीक है। पोस्ट फेमिनिज्म और फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म के बीच में लेके कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है, पर ये ध्यान रखना आपको पोस्ट फेमिनिज्म जो है वो चैलेंज करती है इससे पीछे के जो फीमेल को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है कि वो इस तरह से होते हैं, और जो जेंडर नॉर्म्स फीमेल के लिए सेट किए गए अगर उसको ब्रेक करना, दैट इज़ अगेन द पोस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। जबकि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म एक तरह से और है, जहाँ पे
एक फीमेल को ऐसा रिप्रेजेंट करना, एस्थेटिक वैल्यू का बाहर की खूबसूरती दिखाना, एक आउटर डायमेंशन के लिए एज एन फीमेल को दिखाना, इट मीन द ब्यूटी मैटर करती है ना कि राइट्स वगैरह इक्वलिटी, ठीक है। तो वो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है, जबकि पोस्ट फेमिनिज्म हमारे पास ये है, जैसे फीमेल एज एन जेंडर रोल जो रखा गया है उसको चैलेंज पे रखना, और उस सारी चीज़ों को जो सोसाइटी ने नॉर्म सेट कर रखे हैं फीमेल के, उसको ना मानना, दैट इज अगेन द पोस्ट फेमिनिज्म। तो अब ये फीमेल ऑपरेशन को दिखाया गया, इसमें किस तरह से फीमेल को सोसाइटी में सब्जुगेट किया जाता है, उस तरह के कंसेप्ट जो हैं इस वाली राइटिंग में नहीं दिखाया गया। इसमें फीमेल एज एन लीडर ये टेस्ट करते हुए दिखाई गई है, और किस तरह से लिबर्टी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और फ्रीडम, फीमेल की फ्रीडम और लिबर्टी जैसे कंसेप्ट को इसमें साफ दिखाया गया है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फीमेल ऑपरेशन जैसे कंडीशन को और फीमेल के अगेंस्ट जो वायलेंस है, इन सारी चीज़ों को इसमें कहीं ना कहीं वैसे नहीं दिखाया गया डायरेक्टली, पर हाँ ये बता रखा है कि अब फीमेल जो है इनसे कई ऊपर है, अब फीमेल इस तरह के कंसेप्ट को नहीं मानती, ना फीमेल ऑपरेशन ना ही फीमेल के वॉयलेंस को लेकर। ये वही उस तरह की एक्शन है, सेम वही चीज़ें, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप इसे रोक के स्लाइड को देख सकते हो, सेम वैसी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इसमें एग्रेशन जैसे कंसेप्ट और उसके बाद कुछ कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, इन द फीफो एंड डिफरेंट द फीफो आई स्टिल लाइक द मैन बेटर देन वुमेन। तो जैसे कुछ लाइंस को सेट किया गया है, दैट आई एन विद देम, आई लाइक बीइंग अ मैन, थिंकिंग लाइक अ मैन, फीलिंग लाइक अ मैन, एंड दे और ऑल वेल टुगेदर, द वुमेन आर नॉट, द मैन हैव द नेचुरल स्ट्रेंथ। तो इस तरह से एक सेट्रिकल कमेंट को सेट करते हुए दिखाया गया कि किस तरह से जो फीफू है वो मैन को कहती है कि दैट्स बेटर देन वुमेन एंड आई एन विद देम, उनसे बेशक मैं जलती हूँ, पर हाँ फिर भी बोला कि जो मैन इज समवट कंसिडर सुपीरियर देन टू वुमेन। एग्रेशन कम्स फ्रॉम द पीपल अटेम्पटिंग टू असर्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स द थ्रेट दे परसीव, द वुमेन विद इन द प्लेस कांट अटेन सेल्फ एस्टीम ड्यू टू देयर इनहेरिटेड मिथ्स ऑफ द मेल डोमिनेटेड एग्रेशन। जो मेल डोमिनेटेड एसेंस है कि किस तरह से जो फीमेल है वो हमेशा ये कंसिडर मन उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो मेल को वो पहले सुपीरियर मान लेती है। तो इस तरह का जो एक माइंड सेट है उसी ने कहीं पेट्रियार्कल वर्ल्ड को सेट कर रखा है, और वो जो डायलॉग हमें देखने को मिलता है फेफू एंड फ्रेंड्स, जहाँ पे फेफू साफ बोलती है कि मैन इज़ बेटर देन वुमेन, वो आई एनवी देम, मैं उन इनसी बात से उनसे जलती हूँ, आई लाइक बी ए मैन, मैं भी मैन की तरह होना चाहती हूँ, थिंकिंग लाइक मैन, द फीलिंग लाइक मैन। तो यहाँ पे मैन को पहले ही जो है, और जो मैन को है वो सुपीरियर कंसिडर कर लिया जाता है फीमेल के द्वारा, इसीलिए जो है वो फीमेल सब्जुगेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन, इस तरह की कंडीशंस जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। ये उसी वाली, तो सिंपल है, तो कंक्लूजन में वही वाली बातें लिखी होगी, सिंपल सी बात कि मेल डोमिनेशन का और किस तरह से फीमेल का सब्जुगेशन की वजह क्या क्या हो सकती है, वही सारी बातें इसमें हैं। और यहाँ पे एक जो टर्म, इस टर्म से आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, इट मीन द मैजिकल फेमिनिज्म, ठीक है। इससे पहले आपने फेमिनिज्म सुना होगा, फेमिनिस्टिक मूवमेंट, और साथ साथ फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। पर ये मैजिकल फेमिनिज्म क्या है, तो ये दो का देखो इट्स एन कहती हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, दो कंसेप्ट का मिक्स है। फर्स्ट इज द मैजिकल रियलिज्म, यानी रियलिटी में कुछ मैजिकल कंसेप्ट को ऐड करना, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड दी के होगा वो रियल इंसिडेंट, आप रियल इंसिडेंट को उठाओगे, उसमें सब मैजिक लाइक कंसेप्ट, जैसे सलमान रशदी की काफ़ी राइटिंग में आप देख सकते हो क्या है मैजिकल रियलिज्म, ठीक है। जैसे मिड नाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रशदी, उसमें बता रखा है जैसे 14th और 15th ऑफ अगस्त को 12-13 बच्चे जन्म लेते हैं, जिस समय पार्टीशन होता है इंडियन पाकिस्तान का, कुछ बच्चे के पास जो है वो सेंस ऑर्गन उनके काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, कुछ के सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इस तरह का दैट इज़ द रियलिटी, जो पॉलिटिकल ग्राउंड रखा है दैट इज़ द रियलिटी, पर उसके ऊपर जो मैजिकल एसेंस को टच कर रखा है, इसी वजह से उसे मैजिकल रियलिज्म बोलते हैं। तो रियलिटी में समवट ऑफ द ब्लेंड ऑफ द मैजिक इज कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म, और उसमें फेमिनिस्ट टेस्ट को मैनेज करते रहना, यानी फेमिनिज्म जैसे साउंड को और ऐड कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं मैजिकल फेमिनिज्म, ठीक है। तो मैजिकल रियलिटी प्लस द फेमिनिज्म इज कॉल्ड मैजिकल फेमिनिज्म, यानी फीमेल का जो एक तरह का हमने सोच रखा है कि हाँ इस लेवल तक जो फेमिनिस्टिक राइटिंग को देखने को मिलेगा, उससे ऊपर अगर आप मूव करवा रहे हो और मैजिकल जैसे कंसेप्ट को ऐड करते जा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड दी मैजिकल फेमिनिज्म, यानी फेमिनिस्टिक ग्राउंड का एक लेवल होता है एक फेमिनिज्म राइटिंग में, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में इसलिए होगा, पर उससे आगे अगर आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हो, उसके बाद फीमेल वॉइस को साथ ही साथ उसके स्ट्रॉन्च करते हो यानी मजबूत करते हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे मैजिकल फेमिनिज्म, यानी फेमिनिस्टिक ग्राउंड को और फर्दर स्ट्रॉन्ग करना, और हो वो रियलिटी बेस पे, पर उसके साथ साथ आप कुछ मैजिक जैसे कंसेप्ट को ऐड करते जा रहे हो,
जहाँ पे जहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर रखा हो, जहाँ तक हमने नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रखा हो उससे भी ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड जगह मूव करवाना फेमिनिस्टिक सेंस को और फेमिनिस्टिक जो टेस्ट हो और जो फेमिनिस्टिक साउंड को इतने ऊपर तक लेके जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैजिकल फेमिनिज्म। तो हाइब्रिड एक किसका है, मैजिकल रियलिटी का और साथ ही साथ फेमिनिज्म का। ये एक तरह का क्यूरेटिव नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि ठीक है इससे जो है, और ये प्लेसिबो फैक्टर भी नहीं है। प्लेसिबो फैक्टर का सिंपल मतलब क्या है कि जैसे कि कोई मान लो एक इंसान दिखा रखा हो भाई वो बीमार हो रखा है, उसको ऐसा लगता है कि वो बीमार है पर वो बीमार नहीं है। तो छोटी मोटी उसको दवाई अगर खिला देंगे तो उसे लगता है कि ठीक है इसे लेके मैं सही हो जाऊंगा। तो एक मन को घुमा देना, मन की तसल्ली करवा देना, दैट इज अगेन द प्लेसिबो, है ना। वैसे रियल में उसे बताया नहीं जाएगा कि ये सच में उसे जो उसे ऐसे बताया जाएगा कि सच में ये दवाई है, पर दवाई की जगह कुछ नहीं होगी, वो मीठी गोली होगी, पर वो खुद ब खुद मान जाएगा कि ठीक है मैंने दवाई ले ली मैं सही हो जाऊंगा, तो वो अपने आप ही सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के इम्पैक्ट को प्लेसिबो बोलते हैं। तो ये कोई प्लेसिबो फैक्टर नहीं, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि फेमिनिज्म और जैसे मूवमेंट को शांत करने का या उन्हें गोली देने का एक नया तरीका है, इस तरह का नहीं है। जबकि मैजिकल फेमिनिस्ट का सिंपल मतलब है मैजिकल रियलिटी के ऊपर फेमिनिज्म जैसे वॉइस को रेज करना, एक अलग वे से, एक डिफरेंट वे से फीमेल को प्रेजेंट करना, चाहे वो आप फीमेल जेंडर जैसे कंसेप्ट को लेके चलो और उस जेंडर को चैलेंज पे रखो, और आम जो प्रोटोकॉल्स है सोसाइटी के, जो नॉर्म्स है सोसाइटी को, उसको भी चैलेंज पे रखो, और जो फीमेल्स जिस तरह से एज प्रेजेंट की जाती है सोसाइटी में, उस सब भी चीज़ को चैलेंज पे रखो। सच टाइप ऑफ अगैन दी मूविंग द कंसेप्ट इज कॉल्ड दी मैजिकल फेमिनिज्म। और इस वाले कार्टर सिस्टम है, वन कार्टर का मतलब क्या, जो ओवरऑल जो पहले से चला आ रहा जो सिस्टम है उससे बिल्कुल डिफरेंट लिखा गया है। एक एंटेगोनिस्टिक टेस्ट रखा गया है, पैराडॉक्सिकल वे में लिखा गया है, ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है। जो फेमिनिस्ट 1920s एंड 30s में न्यू इंग्लैंड में सेट की गई थी, इसे काफ़ी अलग है, एक न्यू वे से लिखा गया। जैसे कि इसमें कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया एट वुमेन की गैदरिंग होना, जो कि खुद ब खुद जो इससे पहले का जो फेमिनिज्म है, जो फीमेल का रोल कंसिडर किया जाता है सोसाइटी को, उससे काफ़ी एक डिमांडिंग और काफ़ी एक न्यू टेस्ट की तरह से डाला गया। और एट एजुकेटेड वुमेन है वो भी, और वो द मिडिल क्लास है वो भी, सारे कनेक्टेड हो रहे हैं। और बात टॉपिक क्या है कि वो फंड रेजिंग जैसे इशू को लेके आए हैं कि फ़ंड रेज करेंगे, जहाँ पे एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को दिखाया गया फीमेल को। तो जिस तरह के फीमेल को कंसिडर किया जाता है सोसाइटी में, जिस तरह से वीक और फीबल और मीक टाइप कैरेक्टर माना जाता है, कि काफ़ी कमज़ोर माना जाता है, सब्जुगेटेड वे में देखा जाता है, तो उस सारे चीज़ को एक चैलेंज पे रख देना, एक दूसरी तरीके से लिखना और एक दूसरे तरह से ट्रेंड और मूवमेंट को लीड करना, दिस इज़ कॉल्ड एवांगार्ड सिस्टम। इसी को एवांगार्ड कहते हैं। इट मीन दैट मूविंग दी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जो बाकी जो डायरेक्शन चल रही है, यानी बाकी टाइप ऑफ जो इमेज जिस तरह का कंसिडर किया जाता है उससे बिल्कुल एक अपोजिट डायरेक्शन में किसी चीज़ को लेके आना, उसी को बोला जाता है ना, कि एक डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग, एक डिफरेंट वे ऑफ द राइटिंग, ठीक है, इसी तरह का। वैसे सिंपल मतलब अगर आप चेक करने जाओगे अवांगार्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अवांगार्ड सिंपल मतलब क्या है कि जिस एज और जिस पीरियड में अगर आप रह रहे हो, तो उस पीरियड से काफ़ी एडवांस सोचना, उस पीरियड से काफ़ी एडवांस वे में चीज़ों को लिखना और उसे समझना, दैट इज़ कॉल्ड अवांगार्ड। तो ये वैसे नॉर्मल पढ़ा भी होगा आपने कि ये पेंटर्स, राइटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये सब कुछ आइडियाज़ लेके आए थे, कुछ स्टाइल्स, कुछ मेथड लेके आए थे, जो कि उस टाइम के एज में और काफ़ी मॉडर्न और कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ओरिजिनल लग रहा था, और एक डिफरेंट वे से लग रहा था, दैट इज़ अवांगार्ड सिस्टम, कि काफ़ी एडवांस वे में लिखना। तो आया कहाँ से था, ये पेंटर्स, म्यूजिशियन, ये सब लेके आए थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी बात बहुत बातें जो है वो ध्यान रखना। तो ये भी एक अवांगार्ड है इन द फील्ड ऑफ द फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म में ये भी अवांगार्ड है। तो इस वाली राइटिंग में देखा होगा आपने फेमिनिज्म को किस तरह से अलग अलग वॉइस में देखा, मैजिकल फेमिनिज्म भी देखा, अवांगार्ड भी फेमिनिज्म भी देखा हमने, फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म से किस तरह से टच राइटिंग है वो भी, ये एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर का, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर एक जॉनर ऑफ द लिटरेचर है, दैट इज जनरली डिफिकल्ट टू डिफाइन विद एनी सॉर्ट ऑफ द प्रिसेशन। आप प्रिसेसिव नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ एग्जैक्ट ये होगा, बस इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो किसी भी फील्ड, किसी भी लिटरेचर के किसी भी पार्ट से किया जा सकता है, उसके जॉनर से, उसके स्टाइल से, उसके प्लॉट से, उसके डिफरेंट वे ऑफ वो अगेन राइटिंग दैट स्टोरी, कि वो स्टोरी लाइन को आप किस तरह से लिख रहे हो, उन्हें सिक्वेंशियल ऑर्डर लिख रहे हो या एक्यूमुलेटिव फॉर्म में लिख रहे हो या फिर एक स्टार अपीयरेंस डाल रहे हो, किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो वो।
द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कैटरिन लॉरेंस ने लिखा था द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ द डिस्टिंग्ड शैंडियर द जेंटलमैन 1759 में। ये भी काफ़ी डिफरेंट और यूनिक कंसेप्ट था लिखने का, तो वो यहाँ पे बता रखा है जिस इस तरह की राइटिंग को एक डिफरेंट जस्ट वे ऑफ राइटिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर। और ये वाला से भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो उसमें आंसर राइटिंग में आपको पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पक्का लिख के आना है। देखो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के लिए कुछ कुछ कंसेप्ट है, इसमें जो रियल मीनिंग है वो ऐसा नहीं होता कि उस रियल मीनिंग को एक तरह से अलग से ल्यूमिनेट किया जाए, चमकाया जाए, जबकि इसमें इंस्टेड ऑफ किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, इट मीन दैट प्ले के उसके फ्रैगमेंटेड पार्ट पे, टुकड़ों पे, मेटाफिक्शन पे। देखो मेटाफिक्शन यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझो, मेटाफिक्शन एक तरह का फिक्शियस राइटिंग होगी और ऑडियंस को भी पता होगा, स्पेक्टेटर को भी पता होगा ये फिक्शियस राइटिंग है, पर वो इस तरह से दिखेगी कि वो रियल राइटिंग है। तो वो होगी फिक्शियस राइटिंग बट इट सीम्स टू बी द रियल राइटिंग और ऑडियंस उसे कंसिडर करेंगे कंसिडरिंग दैट इट इज़ अगेन द रियल राइटिंग, वो उसे रियल राइटिंग की तरह कंसिडर करेंगे, एक रियल पिक्चर की तरह कंसिडर करेंगे, हालांकि उन्हें पता होगा इट्स अ फिक्शियस, पर फिर भी वो रियल की तरह उन्हें सीन मतलब उनको रियल की तरह ऐसा लगेगा कि दैट इट सीम्स टू बी द रियल राइटिंग। ठीक है, इंटरटेक्चुअलिटी जूलिया क्रिस्तीवा का कंसेप्ट है, इट मीन द टेक्स्ट का खुद मीनिंग नहीं होता, आसपास के टेक्स्ट उसके मीनिंग को ज़्यादा जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट मॉडर्न है वो फ्रेगमेंटेड वर्क कंसेप्ट को, मेटाफिक्शियस कंसेप्ट को, इंटरटेक्चुअल मीनिंग के कंसेप्ट को, इन सब चीज़ को दिखाती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हमें पता है 1960 से 1991 तक ये जो टाइम पीरियड था हमारे पास, ये पूरा जो टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट आया, इसके बाद जो होमिसाइड हुआ है, तो जो लोगों की सोच है वो काफ़ी बदल गई, जो होमोसेंट्रिक अप्रोच था वो भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व होना शुरू हो गया। तो इस वजह से राइटिंग में काफ़ी अलग अलग एडवांस वे ऑफ राइटिंग आई, जिस वजह से 1960s द एलिनेशन एज, द एज ऑफ द एलिनेटेड राइटिंग, ठीक है, और इसी में बैकेट की जैसे वेटिंग फॉर गोडोट, इसी तरह से द ग्रेविटी, रेनबो बाय द थॉमस पाइचन, स्लॉटर हाउस बाय द कोट वॉकन, कैच 22 बाय जो जोसेफ हेलर, इस तरह की राइटिंग काफ़ी आने लगी। तो जो एक एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट और यूनिक कंसेप्ट को लेके आने लगी, उसी को हम उस तरह की राइटिंग को हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की कैटेगरी में डालने लगे। कौन कौन से मॉडर्न राइटिंग है, तो इसके लिए भी एक ये डेफिनेट स्लाइड है, और आप इसको देख के बिल्कुल अपनी जो राइटिंग है हमारे पास द फेफो एंड फ्रेंड्स को, उसको बिल्कुल इसी में प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो भी राइटिंग होगी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के क्राइटेरिया में वही आएंगे, जो कि रैंडमनेस हो, जो कि एक डिसऑर्डर वे से लिखी गई हो, जिस तरह से फेफो एंड फ्रेंड्स लिखी गई है, कोई एक प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर से लिखा गया है। उसके बाद प्लेफुलनेस होगा, इसमें ब्लैक ह्यूमर वर्ड के साथ प्ले किया जाएगा, वर्ड प्ले होगा, आयरनी होगा, तो इस तरह का वो भी देखने को मिलता है जो भी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। उसके साथ एक फ्रेगमेंटेड वर्क होगा, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं चलेगा जबकि वो फ्रेगमेंटेड ऑर्डर में चलेगा। कोलाज स्टाइल फॉर्मेट, जैसे पार्ट नंबर 2 में देखा होगा वो चारों सीन है वो एक साथ चल रहे हैं, इट अगेन मेकिंग द कोलाज, तो वो कोलाज जैसे पैटर्न चला आ रहा है, कुछ किचन में सीन चल रहा है, कुछ जो है आगे सेंट्रल हॉल में मूव हो रहा है कुछ सीन, कुछ लॉन में हो रहा है, तो इस तरह का कोलाज अपीयरेंस हो रहा है। तो ये फ्रेगमेंटेड वर्क एक साथ कनेक्टेड होते हुए दिखेंगे, एक साथ एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं चलेंगे, पर हाँ कोलाज फॉर्मेट फॉर्म करेंगे, वर्ड प्ले और वर्ड गेम का एजेंडा बहुत ज़्यादा होगा, और एक डिसऑर्डर वे से कहानी जो है मूव करेगी। ये सब कुछ कुछ ये सारे जो हैं ये आइडियाज़ होंगे जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के योनरा के अंडर आते हैं। बाकी इसमें मैटर जो मैटर दिखाया गया होगा क्योंकि वो फिक्शियस राइटिंग होगा, पर इट सीम्स अगेन टू बी द रियल राइटिंग। ठीक है, और उसमें इम्फेसिस द मीनिंगलेस एंड द प्ले, द पोस्ट मॉडर्न राइटर बिगन टू एक्सपेरिमेंट विद मोर द मेटा एलिमेंट्स इन द नॉवल शॉर्ट स्टोरीज, उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट टाइप का दिखाया जाएगा, एक कोलाज स्टाइल ऑफ राइटिंग आएगी जो कि इंटरटेक्चुअलिटी का होगा, जैसे कि एक द टेक्निक दे एम्प्लॉयड इंक्लूड द पैसिव मीन्स अगेन दे इमिटेटिंग द ऑथर स्टाइल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाई एंड द लो कल्चर। तो सिंपल इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, यानी एक तरह का फॉर्म ऑफ द कोलाज स्टाइल ऑफ द राइटिंग, और एक वर्क जो है वो दूसरे वर्क को ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे कि एक टेक्स्ट का मीनिंग जो है वो तभी अच्छी तरह से क्लियर होगा जब बाकी टेक्स्ट उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसकी मीनिंग को वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर आसपास के जो है उसके मीनिंग को बहुत ही क्लियर एक्सप्रेस करेंगे। इसी तरीके से कोलाज वे ऑफ जो राइटिंग प्रेजेंट होगा, और उसमें जो है एक उसको देखने के लिए वो अगर एक सिंपल अगर आप एक इवेंट को या एक सीन को समझने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, बाकी जो सीन्स हैं वो सपोर्ट करेंगे, तब वो हर एक सीन का जो है वो मीनिंग बाकी के सीन जो है वो क्लेरिफाई करेंगे, जो कि इस वाले में देखने को मिला पार्ट नंबर 2 में।
चारों सीन्स चल रहे थे, पर एक सीन जो है वो दूसरे सीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। चारों सीन जब समझ आएंगे तभी उसके बाद हम एक तरह से स्ट्रीम लाइन होके हमें पूरा समझ आएगा कि अच्छा इसमें ये हो रहा है। इस वाली स्लाइड में एक्शन गिवन है कि किस तरह से किस राइटिंग को एब्स्ट्रैक्ट थिएटर का एग्जांपल में हम डालते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिएटर एक कंसेप्ट होता है जिसमें एक सिचुएशन और एक इमोशन को देखो, इसमें सिंपल एब्स्ट्रैक्ट थिएटर इज सेंटर्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग। इसमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इमोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अपोज टू एक्टिंग देम इन ए रियलिस्टिक वे। ऐसा नहीं है कि एक रियलिस्टिक वे में चीज़ों को दिखाया जाए कि हाँ देखो ये रियल चीज़ है, ऐसा नहीं है। सिंपल इसमें क्या है, सिचुएशंस और इमोशंस को प्लेस किया जाएगा, ठीक है। जो भी सिचुएशंस है और जो इमोशंस उसको रखा जाएगा, यानी इसी को हमने लास्ट उसमें पढ़ा हुआ सब्जेक्टिव एसेंस पे ज़्यादा इस पर जोर डाला जाता है। जो भी जिस तरह का इमोशन है और जिस तरह का सिचुएशन है उसको साफ प्रेजेंट करो। और उसके बाद अनलाइक दी अदर टाइप ऑफ द थिएटर द एक्टर्स आर नॉट ट्राइंग टू प्रेजेंट ए फॉल्स, इसमें फॉल्स रियलिटी प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है ताकि ऑडियंस उसमें जाके गिरे। ऐसा नहीं है, जिस तरह की जो फाइनली जो सिचुएशंस है और जिस तरीके जो इमोशन है उसको बस सामने रखना। कुछ और है जहाँ पे हिंट, जहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की राइटिंग को हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के अंदर लेते हैं। इसमें स्लो मोशन मूवमेंट होता है, कोई फास्ट एक्शन नहीं मूव करता पूरी कहानी में। जैसे इसमें देखा होगा फेफू एंड फ्रेंड्स में कोई फास्ट एक्शन नहीं है कि सिंपल सिंपल एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक ही घर के अंदर का सीन है, कभी किचन में आ जाता है तो कभी लॉन में आ जाता है, इस तरह का कभी बेडरूम पे शिफ्ट हो जाता है। तो कोई हाई फास्ट इस तरह के कोई एक्शंस और कोई मूवमेंट नहीं है। काफ़ी जगह इसमें सोलिलोक्यू है। सोलिलोक्यू क्या होगा, एक सिंपल यानी एक स्टेज पे एक बंदा होगा और जो एक्टर होगा वो डायलॉग्स को बोलेगा, सॉरी वो डायलॉग्स नहीं, वो मोनोलॉग को बोलेगा, सिर्फ वो बोलेगा और जो ऑडियंस है वो सुन रही है। वेयर एन एक्टर टेल्स दी ऑडियंस अबाउट हर थॉट एंड द फीलिंग, वो अंदर के मोनोलॉग यानी जो अंदर उसके क्या चल रहा है क्या नहीं, इस तरह की चीज़ों को वो बोलेगा स्टेज पे। यानी ये जैसे स्टेज है, स्टेज पे वो खड़ा रहेगा और उसके मन के अंदर की जो बातें उसे धीरे धीरे साउंड में वो बोलता रहेगा। तो इट्स अगेन द पार्ट ऑफ द मोनोलॉग डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ऑडियंस देखती रहती है कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है, तो वो अपने मन की उस बात को बोलता रहेगा। स्टेज में इस तरफ जो थिएटर का सेटअप कैसे रखा जाता है, डार्क रखा जाता है और जो ट्यून होता है वो भी एक तरह का डार्कसम होता है ट्यून, और ऑफ सेट रखा जाता है उसको, जो लाइटनिंग जो होती है वो बिल्कुल ही डिम होती है, इस तरह का सीन को सेट करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या है, दैट नरेशन वे द एक्टर डायरेक्टली एड्रेस द ऑडियंस इन ऑर्डर टू टेल द स्टोरी। एक्टर डायरेक्टली जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होगा उसे कहानी बताएगा एंड द प्रोवाइड दी, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है प्ले के बारे में एंड कमेंट ऑन द एक्शन ऑफ द सीन एंड टॉक द मोटिवेशन एंड इंटेंशन। उसके बाद एक्शन के बारे में भी वो बताता है एंड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऑडियंस के साथ, सोलिलोक्यू प्रेजेंट करता है और एक्शन जो है वो स्लो मूव होते हैं। इस तरह की राइटिंग को हम एब्स्ट्रैक्ट के जोन में डालते हैं, थिंग से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। डेडाइज्म और सरियलिज्म, तो डेडाइज्म का क्या, एक पैसिफिस्टिक मूवमेंट था पैसिफाई करने के लिए। जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो है काफ़ी नुकसान हुआ, किस तरह से जिनोसाइड हुआ काफ़ी और कितने सारे लोग जो मर गए, तो उसके बाद एक किस तरह की पैसिफिस्ट राइटिंग यानी सबको सांत्वना देने के लिए एक तरह का शांत वाले उस तरह का दिखाने का जो राइटिंग आई उसी को हम किसके जोन के अंदर डालते हैं, डेडाइज्म के अंदर। तो पैसिफिस्ट वॉज ए पर्टिकुलर दी पॉपुलर बिलीफ इन द वेक ऑफ दी वायलेंस, की उस वायलेंस के अगेन जो पैसिफाई करना किसी को शांत करना, उस तरह की राइटिंग को डेडाइज्म में रखा गया। और डेडाइज्म के कुछ अलग फीचर्स हैं जो कि इस राइटिंग को अगेन प्रेजेंट करते हैं। तो डेडाइस्टिक थिएटर होता है वो लाइट हार्टेड होता है, प्लेफुल होता है, विद द एक्टर्स आर इवन प्लेइंग द जोक्स, यहाँ पे एक्टर्स जो है वो जोक्स को भी प्ले करते हैं एंड ऑडियंस इज अ पार्ट ऑफ द प्ले और ऑडियंस भी कनेक्टेड होते हैं प्ले से। द ऑडियंस इज ऑफ्टन वंडरिंग वेदर दैट द इवेंट्स ऑफ द प्ले वर एक्चुअली प्लान, दिस इज बिकॉज द इनहेरेंटली एब्सर्ड नेचर ऑफ द डेडाइस्टिक प्ले, सेंट्रल बिलीफ ऑफ द डेडाइज्म वॉज एनी थिंग दैट कुड बी एन आर्ट। तो डेडाइस्टिक जो है वो, उसके बाद हमें पता है डेडाइस्टिक जो मूवमेंट है वो आर्ट में भी गई थी। इसमें इस तरह का होता है कि एक एब्जर्ड नेचर होता है, एक रियल मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होगा, ऐसा भी माना जाता है। अनकॉन्शियस माइंड को भी प्रेजेंट किया जाता है डेडाइस्टिक उससे, जैसे कि फेफू एंड हर फ्रेंड्स को जब हम पढ़ते हैं तो एक तरह से एक ट्रू मीनिंग नहीं क्लियर होता, कई जगह जो एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा। तो इस तरह इसीलिए इसको डेडाइज्म जोन में भी रखा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सरियलिज्म। सरियलिज्म इसका एक तरह का एक्सटेंशन है डेडाइज्म का। तो डेडाइज्म को ये अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, सरियलिज्म। सरियलिज्म एक अनकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करने का आइडिया है। जैसे आंख बंद करो और कोई भी पेंटिंग बना दो जो मन के अंदर चल रहा है, तो इस तरह से ये पेंटिंग में आई थी। और लिटरेचर में किस तरह से आई, जब नॉन सेंसिकल कोई
उसको डाला जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट बेस से राइटिंग लिखी जाती है, या जो ओल्ड मेथड है उसको इरेडिकेट कर दिया जाता है, यानी उसको हटा के कुछ एक न्यू स्टाइल को लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अगेन द सरियलिज्म। तो फेफू एंड हर फ्रेंड्स इन अगेन एग्जांपल ऑफ द सरियलिस्टिक राइटिंग। और ये भी क्रुएल्टी, ठीक है, तो क्रुएल्टी का थिएटर भी कनेक्टेड होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बोल दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा आपको कहीं और एक स्पेशल कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतने सारे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। तो ये थिएटर ऑफ क्रुएल्टी जो है उसमें क्या होता है कि कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसमें जो अशॉक जैसे कंसेप्ट को प्रेजेंट किया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे कि जूलिया जो है एक कैरेक्टर ऐसे, उसके बाद जो है फेफू का शूट करना अपने हस्बैंड को एक शॉक तरह का कंसेप्ट जनरेट करती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और एक एक्सपेरिमेंटल जोन है, और जो एक एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ राइटिंग है, और जो कंफर्ट जोन से बाहर लिखी गई है। तो जब भी कोई भी ऑडियंस को कंफर्ट जोन से बाहर कर दे और उन्हें शॉक कर दे, या उन्हें एक तरह का क्रूएल सेंस देखने को मिले, उन्हें समझ ही ना आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो शॉकिंग नेचर ऑफ राइटिंग को थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के अंदर डालते हैं। ये कुछ क्रुएल्टी के अंदर कौन कौन सी राइटिंग आती है, तो मैं सिंपल बोल दिया फेफू एंड हर फ्रेंड्स जो है वो थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी के अंदर आती है, क्योंकि शॉकिंग कंसेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस पूरे प्ले में। जैसे स्टार्टिंग में ही जब हम देखते हैं कि जो फेफू है वो किस तरह से अपने हस्बैंड के ऊपर जो है वो शूट करती है, उसके बाद जो है और वो जब जूलिया का जो पैनिक वाला सीन है और जो कन्विंसिंग होती है उसको कि जो उसको दौरे पड़ने शुरू होते हैं, किस तरह से डियर को मारा जाता है, और वो सेम कंसेप्ट उसके ऊपर आ जाता है एट दी एंड ऑफ द सीन, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एपिसोड लेके आती है। तो जहाँ पे भी शॉकिंग है वहीं पे भी थिएटर ऑफ क्रुएल्टी है। ये वाली बाकी स्लाइड जिसको स्टेज सकता है स्टेज ओरिएंटेशन का, यानी आप ये भी कर सकते हो कि परफॉर्मर इन द ऑडियंस रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए। फिजिकली प्लेस इन द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन, द एम ऑफ द डूइंग वाज टू प्लेस द ऑडियंस इन ए लेस पावरफुल पोजीशन एज दे वर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द परफॉर्मर, to make this use the space more practical the audience would often use the swivel chairs। तो ये कि ये सारे स्टेज ओरिएंटेशन के अंडर आते हैं कि किस तरह से जो एक्टर होता है और जो परफॉर्मर होता है वो ऑडियंस से सुप्रीम होते हैं, उनके अंदर इस तरह से होना चाहिए कि वो पावरफुली जो है अपने रोल को परफॉर्म कर सके। वो ही द यूजिंग ऑफ द स्टेज लाइट साउंड, इनका बहुत ही मैसिव रोल होता है स्टेजिंग करते टाइम, कि अगर मोनोलॉग चल रहा हो तो किस तरह का स्टेज होना चाहिए, डायलॉग में किस तरह का होना चाहिए, जब कोई एक्साइटमेंट का स्टेज आए तो वो आए जो सीन तो उसमें कैसा होना चाहिए, बेडरूम में पीछे बेडरूम का सीन होना चाहिए, तो वो ही है नॉर्मल द यूज़ ऑफ द स्टेजिंग, अगेन स्टेज ओरिएंटेशन से कनेक्टेड है। ये स्टेज और तरह से द एक्टिंग एंड द कैरेक्टराइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो एब्स्ट्रैक्ट थिएटर होता है वो एक्सट्रीमली इमोटिव होता है, परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके साथ साथ एक्सप्रेसिव भी होते हैं। तो एक्सप्रेसिव याद रखना कि एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है, और जब तक अगर प्ले को किस तरह से अगर एक्सप्रेस नहीं किया जाए तो उसका जो मूवमेंट गेस्चर उसके थ्रू कहीं ना कहीं जो प्ले है वो फेल हो सकता है, अगर ये सब चीज़ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था। तो एक्टिंग और कैरेक्टराइजेशन जो है एज स्पाइन की तरह काम करती है, बैकबोन की तरह होती है किसी भी प्ले का, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे ये दिखा रखा है कि किस तरह का जो सीन है वो स्टेज पे चल रहा है, और एक्सप्रेसिव एजेंडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेसिव एजेंडा गेस्चर का, अपीयरेंस का, स्टेज में किस टाइम पे इन होना है, किस समय पे आउट होना है, जो बैक लाइट है उसका, तो स्टेज का ओरिएंटेशन, इन सब का बहुत ही एक एक्सेलेंट रोल होता है, उसकी वजह से कोई प्ले जो है वो सक्सेसफुल होता है। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो अब यहाँ पे ये जो प्ले का दी एंड हो जाए, डाउट हो या इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे स्पेशल नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके और जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसके ऊपर लेके आनी है उसके लिए भी नीचे कमेंट करो, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे भी आप डाल सकते हो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, इस जगह नहीं इस नंबर पे मैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाऊँगा। और बाकी स्पेशल थैंक्स सभी को, और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये क्रीम लेयर पे आ सके। बाकी जो भी आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसा टफ़ वर्क हो जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो उसको पहले कमेंट करना, और कमेंट करते टाइम अपने यूनिवर्सिटी का नाम पक्का डालना, और साथ ही साथ सिलेबस को मेरे सेंड कर देना, जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको पक्का सेंड कर देना, ठीक है। आगे थैंक यू सभी को, ठीक है। बाकी यार जरूर लाइक ज़रूर कर देना इसे।